वेलकम टू स्टडी ट्वेंटी फोर उदयपुर आज के इस वीडियो में हम डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे जिसको कहा जाता है प्रतिदर्श अभिकल्पना क्या होती है इनसे संबंधित कुछ हमारे टॉपिक हैं जैसे कि आपका सैंपलिंग यूनिट क्या होती है प्रतिदर्श इकाई किसको कहा जाता है फिर उसके बाद में सैंपलिंग फ्रेम प्रतिदर्श ढांचा क्या होता है सैंपलिंग फ्रैक्शन प्रतिदर्श अनुपात क्या होता है इन सभी टॉपिक को इसके साथ साथ में आपका जो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग है जिसमें अंतर जिसके अंतर्गत आप सरल यादरक्षिक प्रतिचयन क्या होता है सिंपल रेंडम सैंपलिंग स्टेटिफाइड रेंडम सैंपलिंग वर्गबद्ध जो आपका प्रतिचयन है वो क्या होता है उसके बाद में हम देखेंगे सिस्टोमेटिक सैंपलिंग ठीक है सिस्टोमेटिक हम कह सकते हैं क्रमबद्ध या व्यवस्थित प्रतिचयन क्या होता है साथ ही साथ क्लस्टर सैंपलिंग ठीक है क्लस्टर को हम हिंदी में कह सकते हैं समूह या गुच्छ प्रति चयन क्या होता है इसके साथ साथ में सैंपलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन के साथ और प्रतिस्थापन के बिना प्रतिचयन क्या होता है और पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल एस्टिमेटर क्या होता है इनसे संबंधित जो हमारे टॉपिक है उसको आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर हम सैंपलिंग की बात करते हैं तो सैंपलिंग में आपका एक वर्ड यूज होता है यूनिवर्स ठीक है यहाँ जिसको हम पॉपुलेशन भी कहते हैं तो देखिए यूनिवर्स जो आपका शब्द है उसका यूज तब कम होता है ज्यादा जो यूज होता है वो आपका किसका यूज होता है पॉपुलेशन का और हिंदी में इसके अलग अलग नाम होते हैं हिंदी में इसको हम समग्र कह सकते हैं समष्टि कह सकते हैं जनसंख्या कह सकते हैं तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पॉपुलेशन जनसंख्या का संबंध हमारा यहाँ पे हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके साथ में नहीं है हमारे राज्य की जो जनसंख्या होती है उसके साथ में नहीं होता है ठीक है यहाँ पे जब हम स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं सांख्यिकी अनुसंधान जब किया जाता है तो उसमें पॉपुलेशन का मतलब किससे होता है जो हमारा सांख्यिकी अनुसंधान का क्षेत्र है उनसे संबंधित जो भी इकाइया है जो भी यूनिट से जिनसे हमको सूचनाएं प्राप्त करनी है वो क्या कहलाती है पॉपुलेशन जैसे एक गांव के बारे में हमको अध्ययन करना है कि वहां के लोगों का जीवन स्तर कैसा है ठीक है किसी गांव में लोगों का जो जीवन स्तर है वो किस प्रकार का है उसकी स्टडी अगर हमको करनी है तो उसके लिए उस गांव में अगर हम देखते हैं कि कितने लोग रहते हैं एक हजार लोग तो ये एक हजार लोग उस गाँव में जो रह रहे हैं वो हमारे लिए क्या बन जाएगा जनसंख्या हो जाएगी पॉपुलेशन हो जाएगी ठीक है तो जनसंख्या समग्र या समष्टि का संबंध किससे होता है हमारा जो सांख्यिकी अनुसंधान का क्षेत्र है उनसे संबंधित जो भी इकाइया हैं जिनसे हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जिनसे हमको सूचनाएं प्राप्त करनी है वो हमारे क्षेत्र में जो आएगी वो हमारा क्या होगा समग्र होगा समष्टि होगा या जिसको हम जनसंख्या कह सकते हैं तो देखिए अनुसंधान से संबंधित समस्त इकाइया ठीक है हमारा जो अनुसंधान का क्षेत्र है जैसे अगर हम एक कॉलेज के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो कॉलेज में जितने भी छात्र हैं ठीक है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा पॉपुलेशन हो जाएगा ठीक है उसको हम जनसंख्या कहेंगे समष्टि कहेंगे समग्र कहेंगे अगर हम किसी एक स्कूल के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं वो सारा हमारे लिए क्या होगा पॉपुलेशन होगा जनसंख्या होगा समष्टि होगा तो जनसंख्या का संबंध किससे हो गया है हमारा जो अनुसंधान का क्षेत्र है उनसे संबंधित जो भी इकाइया हैं जिनसे हमको सूचनाएं प्राप्त करनी है जिनसे हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनको हम क्या कहेंगे पॉपुलेशन कहेंगे फिर उसके बाद में देखिए ठीक है सेंसस। अब देखिए जब हम सांख्य अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधान करने की दो विधियां होती हैं एक तो आपकी होती है सेंसस मेथड और दूसरी होती है सैंपल मेथड ठीक है सेंसस मेथड को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं संगणना विधि और संगणना विधि में क्या होगा कि जो हम सांख्यिकी अनुसंधान कर रहे हैं उसमें जितनी भी इकाइयां हैं जो पॉपुलेशन हमारी है उन सभी से अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सभी इकाइयों से अगर सूचना प्राप्त करेंगे ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे सेंसस मेथड कहेंगे और सैंपलिंग मेथड में क्या होती है सभी इकाइयों से सूचना प्राप्त नहीं करके उनमें से कुछ इकाइयों का अगर हम चयन कर ले और उनसे अगर सूचनाएं प्राप्त करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं सैंपल मेथड कहेंगे ठीक है सैंपल को हिंदी में हम क्या कहते हैं हैं प्रतिदर्श कहते हैं न्यायदर्श कह सकते हैं ठीक है न्यायदर्श प्रतिदर्श प्रतिचयन ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी हिंदी में अलग-अलग नाम होते हैं इसलिए जनरली आप क्या करना कि इंग्लिश के जो वर्ड हैं वो भी साथ-साथ में याद रखना अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तब भी साथ में आपको इनका जो इंग्लिश वर्ड क्या है वो आना चाहिए कि न्यायदर्श ठीक है सैंपल इसको इंग्लिश में हम कहते हैं संगणना विधि होती है उनको हम क्या कहते हैं सेंसस कहते हैं तो ये सारे ऐसे जो वर्ड है वो आपको ध्यान रखने हैं तो संगणना विधि में क्या होगा कि जो हमारा सांख्यिक अनुसंधान है उनसे संबंधित जैसे जनसंख्या है ठीक है ये एक हो गया आपके ये दूसरा है ये तीसरा है चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा ऐसे बहुत सारी जनसंख्या जैसे है ठीक है ये हमारी यूनिट है तो इन सभी से अगर आप सूचनाएं प्राप्त करोगे तो इसको हम क्या कहेंगे संगणना विधि कहेंगे ठीक है तो जब समस्त समष्टि या जनसंख्या पर आधारित कोई सांख्यिकी अनुसंधान किया जाता है ठीक है जिसमें हम सभी इकाइयों से सूचना प्राप्त करते हैं तो आपकी कौन सी विधि होगी संगणना विधि होगी ठीक है लेकिन सभी से सूचना प्राप्त नहीं करके इनमें से हम क्या करते हैं कुछ इकाइयों को रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के तौर पर अगर हम क्या कर लेते हैं चुनाव कर लेते हैं अब इन सभी इकाइयों से सूचना प्राप्त नहीं करेंगे ठीक है इनसे सूचना प्राप्त नहीं की जाएगी अब सूचना किन से प्राप्त की जाएगी ये जो हमने प्रतिदर्श लिया है सैंपल लिया है इनसे ठीक है तो इनके ऊपर अध्ययन किया जाएगा इनसे अब सूचनाओं की प्राप्ति की जाएगी तो और इसे जो सूचना प्राप्त होगी इससे हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे इस पूरे समूह के ऊपर लागू कर देंगे तो इस विधि को हम क्या कहते हैं सैंपल मेथड कहेंगे ठीक है प्रतिदर्श विधि कहेंगे और पूरे समूह से ठीक है जो हमारा संगा पूरा समूह है जो पॉपुलेशन है या आपका पॉपुलेशन है जैसे ठीक है यहां पे जैसे बहुत सारी इकाइया है ठीक है इन बहुत सारी इकाइयों में से हमने क्या किया कुछ इकाइयों का चयन कर लिया ठीक है कुछ इकाइयों का चयन कर लिया है और इनसे हम जो सूचना प्राप्त करेंगे तो इस विधि को ठीक है ये जो हमारा पूरा समूह है इनसे हमने कुछ इकाइयों का चयन किया है प्रतिदर्श को लिया है ठीक है मतलब ये आपकी पॉपुलेशन है इनसे हमने जो ये सैंपल लिया है इस मेथड को हम क्या करेंगे पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया जाता है इसको हम क्या कहते हैं सैंपलिंग कहते हैं ठीक है तो पूरे समूह में से पूरा समूह आपका क्या हो गया पॉपुलेशन हो गया और उसमें से हम क्या करते हैं कुछ इकाइयों का चयन करते हैं तो यह आपका तो है पॉपुलेशन ठीक है जो हमारा अनुसंधान का क्षेत्र है उनसे संबंधित इकाई जो होती है उनको हम क्या कहते हैं पॉपुलेशन और उनमें से कुछ इकाइयों को सेलेक्ट करके चयन करके हम क्या कर रहे हैं हमारी स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारा क्या लिया हो गया सैंपल हो गया और ये जो मेथड है पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट किया जाता है ठीक है समग्र से जो हम प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं इस मेथड को हम क्या कहते हैं सैंपलिंग कहते हैं ठीक है थेके? अब देखिए सैंपलिंग जो है प्रति चयन है उसकी बहुत सारी विधियां होती हैं इनकी विधियों को हम क्या कर सकते हैं दो भागों में बांट सकते हैं ठीक है सबसे पहले आपकी कौन सी होती है संभावना विद्या प्रोबेबिलिटी मेथड होती है और जिसको हम रैंडम मेथड भी कह सकते हैं ठीक है रैंडम मेथड या हिंदी में जिसको हम यादरक्षक विधियां कहते हैं और दूसरी विधियां आपकी कौन सी होती है असंभाविता विधिया नॉन प्रोबेबिलिटी या जिसको हम गैर यादृच्छिक विधियां कह सकते हैं तो जो सैंपल लिया जाता है सैंपल को कलेक्ट करने की ठीक है जो प्रति चयन है उनको इकट्ठा करने की जो विधियां होती हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं ठीक है फर्स्ट आपकी कौन सी होती है प्रोबेबिलिटी मेथड हिंदी में जिसको हम कहते हैं संभाविता या यादृशिक विधियां भी इनको हम कह सकते हैं और हमारा जो संगणक वाला कोर्स है उसमें तो केवल आपको ये वाली विधियां ही पढ़नी है संभाविता विधियां बाकी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसमें आपको नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है वो भी पढ़नी होगी तो देखिए इन दोनों के बारे में डिटेल में मैंने अलग वीडियो बना रखा है आप चाहे तो वहां से जाके इन डिटेल में इनको समझ सकते हैं लेकिन इसमें भी हम ये जो प्रोबेबिलिटी मेथड्स होती हैं संभाविता विधियां या, या यादृच्छिक विधियां रेंडम जो सैंपलिंग होती है उसकी कौन कौन सी मेथड्स होती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे तो देखिए इसमें कौन कौन सी विधि आ जाएगी आपकी संभाविता विधिया में मतलब संभाविता विधिया में एक तरह से क्या होता है मतलब जो समष्टि में से पूरे समूह में से जनसंख्या जिसको हम कहते हैं उनमें से हम जो सैंपल ले रहे हैं उनमें से जो हम प्रतिदर्श का चुनाव कर रहे हैं तो इसमें समूह में इस पूरे समूह में जितनी भी इकाइयां हैं सभी के आने के चांस क्या होते हैं बराबर मतलब सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना अगर बराबर होती है तो इनको हम क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी मेथड कहेंगे संभाविता विधिया कहेंगे और संभाविता विधिया में कौन कौन सी आएगा आपका सबसे पहला आपका आ जाएगा यादृच्छिक ठीक है इसको हम क्या कहते हैं देखो इसका पूरा नाम आपका हो जाएगा सरल यादृच्छिक विधि ठीक है प्रोबेबिलिटी मेथड है इसमें सबसे पहले आपकी कौन सी है सरल यादृच्छिक विधि ठीक है या सरल यादृच्छिक प्रतिचयन इंग्लिश में इसको हम कहेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग ठीक है सिंपल रैंडम सैंपलिंग ये आपकी फर्स्ट हो जाएगी उसके बाद में सेकंड हम डिस्कस करेंगे क्रमबद्ध प्रतिचयन ठीक है सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होती है उसके बाद में तीसरा आपका है वर्गबद्ध प्रतिचयन स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग फिर फोर्थ हम डिस्कस करेंगे आपका समूह या क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है और ये चार प्रकार आपका जो है उसका कोर्स में दे रखा है और एक और आपकी होती है बहुचरणी या मल्टी स्टेज अब देखिए इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ठीक है हमारी जो संभाविता विधियां हैं इनको हम प्रायिकता विधियां भी कह सकते हैं रैंडम या यादृच्छिक विधियां भी कह सकते हैं ये सारे नाम आपको याद होना चाहिए ठीक है इंग्लिश में आपको नाम याद होना चाहिए प्रोबेबिलिटी मेथड या फिर रैंडम मेथड्स कौन कौन सी होती हैं तो देखिए जो रैंडम मेथड्स हैं प्रोबेबिलिटी मेथड्स हैं उसमें आपकी जो सबसे पहली विधि है वो कौन सी है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन ठीक है सरल यादरचिक प्रति चयन या इसको हम देविक प्रति चयन भी कह सकते हैं ठीक है दोनों नाम आपको याद रखने हैं देविक प्रति चयन या सिंपल रैंडम सैंपलिंग ठीक है फर्स्ट हम कौन सी डिस्कस करेंगे सरल यादरचिक प्रति चयन क्या होता है देविक प्रति चयन क्या होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग देखिए जब हम सरल याद की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है ठीक है ये हमारी जनसंख्या है इसमें बहुत सारी इकाया होती हैं। माना कि इसमें कितनी इकाया हैं? एक हजार इकाया हैं। इनमें से हम सैंपल ले रहे हैं माना कि कितनी इकाइया हमको सैंपल के तौर पे लेनी है कितना हमको प्रतिदर्श लेना है माना कि सो इकाइयों का चयन करना है तो इसमें जितने भी एक हजार इकाइया है उनमें से हम सो जनों को जो सेलेक्ट करेंगे सो जनों को जो हम प्रतिदर्श के तौर पर लेंगे तो इनमें से ये जो एक हजार इकाइया है इन सभी के चुने जाने के जो अवसर है प्रोबेबिलिटी है संभावना है प्रायिकता है वो सबके लिए इक्वल है मतलब इस एक हजार में से ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जो पहले वाली हंड्रेड इकाइयाँ हैं उन्हीं को लिया जाएगा या बाद वाली हंड्रेड इकाइयों को लिया जाएगा या बीच वाली को लिया जाएगा मतलब इनमें से सभी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है समान मतलब फर्स्ट वाली भी आ सकती हैं लास्ट वाली भी आ सकती हैं बीच वाली भी आ सकती है कहीं पर भी हो चाहे वो पहले नंबर पर हो दूसरे नंबर पर हो दसवें नंबर पर हो पंद्रहवें नंबर पर हो पचासवें पे हो पाँच नंबर मतलब किसी भी नंबर पर हो सभी चुनी जा सकती हैं सभी के आने की जो प्रोबेबिलिटी क्या है वो इक्वल है समान है तो उसको हम क्या कहते हैं सरल यादरचिक प्रति चयन कहते हैं ठीक है एक हजार में से अगर हमको सो इकाइयों का चयन करना है तो सभी के चुने जाने की जो प्रायिकता है संभावना है अवसर है वो इक्वल होते हैं तो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं सरल यादिक सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहेंगे अब देखिए इसका उदाहरण अगर हम देखें रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो जो लोटरी के टिकट होते हैं ठीक है लोटरी जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है ठीक है लोटरी एक तरह से जो होती है उसमें क्या होता है कि माना कि अगर आपने लोटरी का कोई टिकट परचेस किया है लोटरी का कोई टिकट अगर खरीदा है तो उसमें जो नंबर लिखे होते हैं आपके पास में ठीक है तो इस ऐसी इस इस स्थिति में क्या होगा इसमें कि माना कि सौ लोगों ने क्या किया लोटरी का टिकट खरीदा है और उसमें से पांच जने जो है उनके कोई इनाम खुलेगा ठीक है माना की तो ये देखिए जो सो जने उनका नाम या उनके जो नंबर होते हैं वो लिख के एक बॉक्स में डाल दिए जाएंगे ठीक है मतलब सो जनों हैं अब सो जनों में से पांच जनों को ही इनाम देना है तो पांच जने वो कौन कौन से होंगे कोई भी हो सकता है ठीक है जिन्होंने लोटरी का टिकट खरीद रखा है उनमें से सभी के चुने जाने के अवसर क्या है समान है ठीक है फिर एक एक करके इसमें से क्या किया जाता है पांच जो पर्ची है उनको निकाला जाता है पांच को सेलेक्ट किया जाता है इसका मतलब क्या हो गया इस समी में इस पूरे समूह में से जितनी भी इकाइया है उन सभी के चुने जाने के अवसर क्या है इक्वल मतलब हो सकता है कि ये सेलेक्ट हो जाए या फिर ये हो जाए ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है कोई से भी इनमें से पांच इकाइयों को सेलेक्ट किया जा सकता है सभी के सेलेक्ट होने के सभी के चुने जाने के अवसर क्या होते हैं समान होते हैं उसको हम क्या कहते हैं लोटरी सिस्टम कहेंगे जो किसका एग्जाम्पल है आपका सरल यादर का इसके साथ साथ में देखिए सरल यादरचिक में एक टिपेट सारणी होती है जो टिपेट के द्वारा दी गई है और इसमें उन्होंने इकतालीस हजार छसो अंकों का प्रयोग किया है ठीक है इसके आधार पर एक ज्यादा डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बस आपको एक सिंपल उदाहरण याद रखना है कि सरल यादरचिक जो प्रति चयन होता है उसका आपका उदाहरण क्या है जो टिपेट सारणी है ठीक है जिसमें इकतालीस हजार छसो अंकों का प्रयोग करके सारणी दी गई है इसमें दस हजार चार सौ ठीक है दस हजार चार सौ अंकों की चार टेबल है ठीक है और दस हजार चार सौ अगर आप चार से मल्टीप्लाई कर दोगे कि कितना जाएगा ये इकतालीस हजार छह सौ आ जाएगा तो इन अंकों का प्रयोग करके एक सारणी दी गई है ठीक है एक आपका जो ड्रम घुमा के होता है ठीक है ड्रम को अगर घुमाया जाता है और उसमें जो तीर का निशान होता है वो जिसके सामने रुकेगा उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो ये सभी एक तरह से आपके क्या है सरल यादृक जो प्रति चयन है उसके उदाहरण है ठीक है दूसरी विधि आपकी है वो कौन सी है क्रमबद्ध या जिसको हम कहते हैं व्यवस्थित प्रतिचयन सिस्टोमेटिक सैंपलिंग अब देखिए सिस्टोमेटिक सैंपलिंग में क्या होगा कि जो हमें अनुसंधान करना है ठीक है अनुसंधान से संबंधित जो हमारी पॉपुलेशन है समस्त इकाइयां हैं इन सभी इकाइयों को हम क्या करेंगे एक बार अरेंज कर लेंगे ठीक है इनको हम क्या करेंगे व्यवस्थित रूप से इनको हम जमा लेते हैं ठीक है सिस्टोमेटिक रूप से सिस्टोमेटिक रूप से इनको क्या करना पड़ेगा एक तरह से क्रमबद्ध करना पड़ेगा व्यवस्थित करना पड़ेगा जमाना पड़ेगा ठीक है चाहे उनको हम समय के आधार पर जमाए ठीक है 91 पहले लिख दिया फिर 92 लिख दिया फिर 93 लिख दिया फिर 94 इस तरीके से हम समय के आधार पर जमा सकते हैं या फिर उनको हम क्या कर सकते हैं भौगोलिक आधार पर ठीक है भौगोलिक आधार पर मतलब स्थान है कि राजस्थान है तो राजस्थान का लिख दिया उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश का लिख दिया गुजरात है जो भी हमारे पास में डेटा दे रखे हैं उनको हम स्टेट के हिसाब से जमा लें ठीक है भौगोलिक स्थान के आधार पर जमा लिया या संख्याओं के आधार पर क्रमबद्ध कर लो ठीक है संख्याओं में आपका वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से उनको हम क्या करते हैं सबसे पहले सिस्टोमेटिक उनको हम अरेंज करेंगे जमा लेंगे समय के आधार पर कर सकते हैं भौगोलिक आधार पर कर सकते हैं संख्या के आधार पर करेंगे किसी भी आधार पर उनको हम क्या करेंगे जमा लेंगे फिर क्या करेंगे सबसे हमको पहली इकाई का चयन करना है ठीक है तो सबसे पहली इकाई का चयन हम कैसे करेंगे रेंडमली कर लेंगे ग्रुप से कर लेंगे ठीक है माना कि हमारे पास में पांच इकाइयां हैं, ठीक है थीके? टोटल हमारे पास में सौ इकाइयां हैं और उनमें से हमको दस इकाइयों का चयन करना है तो हमने उनको क्रमबद्ध कर लिया ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर इनमें से हमने क्या कर लिया एक को रेंडमली सेलेक्ट कर लेंगे माना कि हमने लोटरी सिस्टम से एक बॉक्स लिया उसमें हमने पर्ची पे लिख दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और उसको दस तो अंकों को हमने बॉक्स में डाल दिया फिर हमने उसमें से एक पर्ची निकाल दी ठीक है और वो एक पर्ची माना कि कौन सी आ गई है उसमें से आगे माना कि वो तीन नंबर की आ गई है तो सबसे पहला जो हमारा हो uh, हो जाएगा जाएगा ठीक है वो क्या हो जाएगा? तीन नंबर पे जो भी होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सो में से अगर हमको दस को सेलेक्ट करना है तो बाकी हम समान अंतराल से समान अंतराल का मतलब हंड्रेड अपॉन टेन कर दो हंड्रेड अपॉन टेन करने पर क्या आ जाएगा दस आ जाएगा अब हम प्रत्येक दसवीं इकाई को ठीक है प्रत्येक दसवीं का मतलब पहला अगर हमने तीन नंबर लिया है तो अब अगली दसवीं काई कौन सी होगी तेरहवें नंबर पे जो भी होगी उसके बाद में तेईसवे नंबर पे होगी उसके बाद में थर्टी थ्री पे उसके बाद में फोर्टी थ्री पे उसके बाद में फिफ्टी थ्री पे सिक्सटी थ्री पे सेवेंटी थ्री पे फिर एट्टी थ्री पे फिर नाइनटी थ्री पे जो भी कई होगी उनको हम क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे चयन कर लेंगे ठीक है माना कि अगर आपकी पहली कई जो चयन हुई है कि वो माना नंबर की अगर चयन हुई है तो फिर उसके बाद में अगली जो आपकी इकाइया होगी वो कौन सी होगी क्योंकि अंतराल अगर आपने दस दस का लिया है तो अगली इकाई आपकी होगी, होगी पंद्रहवें नंबर वाली फिर होगी आपकी पच्चीसवीं, फिर आपकी होगी पैंतीसवीं, ठीक है फिर आपकी फोर्टी फिर फिफ्टी फिर सिक्सटी फाइव फाइव 85, 95 इस तरीके से हम क्या करेंगे चेन कर लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं क्रम बदिया तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो भी हमारे पास में जनसंख्या है उसमें जितनी भी इकाईया हैं, उनको हम सबसे पहले क्रमबद्ध व्यवस्थित कर लेंगे चाहे वो समय के आधार पर करें स्थान के आधार पर करें संख्यात्मक आधार पर करें और फिर प्रत्येक एनवी काई ठीक है प्रत्येक एनवी का मतलब क्या हो गया समान अंतर से ठीक है मतलब पांचवा हो सकता है दसवा हो सकता है ग्यारहवाई तो का हम चयन कर लेंगे पॉपुलेशन कि कितनी, कितनी है टोटल हमारे पास में समग्र की जो इकाइयां है वो कितनी है और उनमें से हमको कितना सैंपल लेना है पांच लेना है दस लेना है उसके आधार पर हम प्रत्येक समान अंतर से क्या करेंगे इकाई का चयन कर लेते हैं ठीक है इसमें हम क्या करेंगे संपूर्ण जनसंख्या की एक सूची तैयार कर लेते हैं जैसे ठीक है आपका वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे इस तरीके से जितने भी सैंपल होंगे उनको हम क्या करेंगे एक तरह से संपूर्ण सूची तैयार कर लेंगे और फिर उसमें से हम क्या करेंगे सैंपल ले लेंगे अभी हमने देखा था कि हमारा जो समग्र था वो कितना था हंड्रेड ठीक है और उसमें से हमको क्या करना था दस इकाइयों का चुनाव करना था तो इसमें हमने क्या कर दिया दस का डिवाइड कर दिया ठीक है तो यहाँ पे देखिए आपकी जो टोटल पॉपुलेशन उसको हमने क्या लिखा एन से ये आपका क्या है एन कैपिटल एन और उनमें से हमको सैंपल लेना है उसको हमने लिख दिया स्मॉल एन से ठीक है तो हंड्रेड अपॉन टेन करने पर आपके पास में कितना आएगा टेन आएगा इसका मतलब प्रत्येक दसवीं का ही लेंगे ठीक है अगर माना कि आपके सैंपल की साइज कितनी है एन कितना है हंड्रेड है ठीक है और उनमें से हमको सैंपल लेना है कितना लेना है माना कि पांच लेना है ठीक है ये पांच लेना है तो ये पांच ठीक है हंड्रेड अपॉन फाइव कर दोगे कितना आ जाएगा बीस आ जाएगा मतलब अब जो आप सेलेक्ट करोगे वो प्रत्येक बीसवीं का ही लोगे ठीक है अगर माना कि पहले आपने दो नंबर लिया है ठीक है पहले आपका जो सिलेक्शन हो गया वो कौन सा हो गया दो नंबर का अगर सिलेक्शन हो गया है तो अब अगली बीसवीं ही कौन सी होगी बाईसवें नंबर वाली फिर अगली बीसवीं कौन सी होगी जो 42 नंबर पे होगी इस तरीके से हम क्या करेंगे क्रमबद्ध या जो व्यवस्थित प्रति होता है सिस्टोमेटिक उसमें हम सिंपल का चुनाव करते हैं तो आपको आगे होगा समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को आप एक दो बार और देखोगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी ठीक है उसके बाद में देखिए आपका है वर्गबद्ध या इसको हम हिंदी में कहते हैं स्त्ररी ठीक है इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना है इंग्लिश में इसका जो नाम है वो कौन सा है स्टेटिफाइड सैंपलिंग है ठीक है इंग्लिश में आपका स्टेटिफाइड लिखा हुआ आएगा हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं ठीक है वर्ग बद हो सकता है स्तरीय हो सकता है स्तरित लिखा हुआ आ सकता है इसमें अलग अलग नाम होते हैं ठीक है ठीके? लेकिन इंग्लिश नाम आप याद रखोगे उसमें क्या लिखा होगा स्टेटिफाइड अब देखिए स्टेटिफाइड जो मेथड होती है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में समूह है ठीक है अनुसंधान का जो हमारा क्षेत्र है उसमें बहुत सारी जो हमारे पास में पॉपुलेशन है ठीक है जो हमारा अनुसंधान की जो समस्त इकाया है उसमें बहुत सारी अलग अलग अगर विशेषताएं पाई जाती हैं ठीक है थीके? मतलब हमारे पास में जो डेटा है वो किस प्रकार के हैं हेट्रोजीनियस ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है ठीक है जब हमारे पास में डेटा किस प्रकार के हैं हेट्रोजीनियस अस जाति हम कह सकते हैं या उसमें हम क्या कह सकते हैं वी जाति जिसमें बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती है अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं हेट्रोजीनियस तो जो हमारा स्टेटिफाइड सैंपलिंग है वर्गबद्ध जो हमारी प्रतिदर्श प्रणाली है उसका प्रयोग हम कब करेंगे जब हमारे पास में जो पॉपुलेशन है जनसंख्या है वो उसमें जो डेटा हमारे पास में है वो किस प्रकार के हैं है, है वी जाती हैं या जाती है हम कह सकते हैं ऐसी स्थिति में हम स्टेटिफाइड सैंपलिंग का प्रयोग करेंगे अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा समूह है ठीक है जो हमारी पॉपुलेशन है उनको हम क्या करेंगे समग्र को विभिन्न भागों में विभाजित करेंगे ठीक है समान विशेषताओं के आधार पर हम क्या करेंगे उनको विभाजित करेंगे तो ये देखिए आपकी ये पॉपुलेशन है ठीक है ये आपकी पॉपुलेशन है उसमें आपकी बहुत सारी कई है माना है कि कॉलेज है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स है ठीक है कॉलेज में आपके आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी हैं कॉमर्स वाले भी हैं और साइंस वाले भी हैं ठीक है ठीके? ये पूरा जो कॉलेज है उसमें आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी हैं कॉमर्स के भी हैं साइंस के भी हैं ये मतलब एक ये तरह से क्या हो गया आपका हेट्रोजीनियस हो गया ठीक है अलग अलग विशेषताओं के आधार पर फिर हमने क्या किया इनमें समान विशेषताओं के आधार पर हम क्या करेंगे डेटा को एक बार क्लासीफाइड कर लेंगे ठीक है मतलब सह जाती मतलब इधर आप जो वर्गीकृत करोगे उसमें आपके कौन से आ जाएंगे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स इधर आ जाएंगे फिर दूसरा जो आप ग्रुप बनाओगे उसमें आपके कॉमर्स वाले आ जाएंगे और तीसरे ग्रुप में आपके क्या हो जाएंगे? साइंस वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे ठीक है तो इस इनको हम क्या कहेंगे ये देखिए आपका ये जो ग्रुप बना इसको हम क्या कहते हैं स्टेटा ठीक है ये ये स्टेटा है स्टेटा ठीक है तो ये आपने एक तरह से विभाजित कर दिया है ठीक है ये हमारा समग्र था पॉपुलेशन था उसमें आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी थे कॉमर्स के भी थे साइंस के भी थे मतलब ये किसको बता रहा है हेट्रोजीनियस ठीक है अलग अलग विशेषताओं के आधार पर फिर हमने क्या कर दिया इनको होमोजिनियस समरूप आधार पर समान विशेषताओं के आधार पर स के आधार पर होमोजिनियस के बेसिस पर हमने क्या कर दिया इनको वर्गीकृत कर दिया ये जो ग्रुप बना है इसमें अब केवल आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स नहीं है ये जो ग्रुप बना है उसमें केवल कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही हैं और ये जो ग्रुप बना है इसमें केवल साइंस वाले स्टूडेंट हैं इनको हम क्या कहते हैं ये अलग अलग ग्रुप बने इनको हम क्या कहते हैं स्ट्रेटा ठीक है स्ट्रेटा ठीक है ये हमारे ग्रुप बन गए हैं अब इस ग्रुप में एक ग्रुप में आप देखोगे तो केवल आर्ट्स के, के स्टूडेंट मतलब समान विशेषता है सी ग्रुप में दूसरा ग्रुप है उसमें केवल कॉमर्स वाले हैं। ये जो तीसरा ग्रुप है इसमें क्या है केवल साइंस वाले स्टूडेंट्स ठीक है ये हमारा फिर इनमें से हम क्या करेंगे इस पहले वाले ग्रुप में से रेंडमली कुछ इकाइयों को हम ले लेंगे सिंपल हो जाएगा हमारा फिर दूसरा जो हमारा ग्रुप था सी ग्रुप इसमें से अब हम कुछ इकाइयों को चैन कर लेंगे ठीक है जो हमारा सैंपल हो जाएगा फिर तीसरा ग्रुप एस है साइंस वाले स्टूडेंट इसमें से भी हम क्या करेंगे कुछ को चयन कर लेंगे और फिर मतलब समान अनुपात से भी ले सकते हैं ठीक है समान अनुपात से ले लिया मतलब देखिए एक और मैं उदाहरण देता हूं आपको ठीक है संख्यात्मक उदाहरण ले लेते हैं कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं ठीक है वो कितने हैं माना कि हंड्रेड स्टूडेंट है पहले ग्रुप में दूसरा जो हमारा स्टेटा है ठीक है साइंस वाला उसमें माना कि कितने हैं दो सौ है कॉमर्स वाला जो हमारा स्टेटा है उसमें कितने स्टूडेंट है माना की वन फिफ्टी है ठीक है ये हमने अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं ठीक है जिनको हम स्टेटा कहेंगे अब प्रत्येक ग्रुप से हम क्या करेंगे अनुपातिक रूप से गैर अनुपातिक रूप से भी ले सकते हैं ठीक है माना कि इसमें से हमने टेन परसेंट ले लिया मतलब टेन स्टूडेंट्स इसमें अगर आप टेन परसेंट लोगे तो ट्वेंटी स्टूडेंट्स हो जाएंगे ठीक है टू हंड्रेड का टेन परसेंट कितना होगा ट्वेंटी और वन फिफ्टी का टेन परसेंट कितना होगा फिफ्टीन ये हमने सैंपल ले लिया है और अब इस सैंपल के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं तो देखो ये जो हमने सेलेक्ट किया है पूरे समूह में से वो हमने अनुपात के आधार पर किया है ठीक है अनुपात के आधार पर मतलब सभी से हमने क्या कर लिया टेन टेन परसेंट ले लिया या अगर हम चाहें तो सभी से समान इकाइयां भी ले सकते हैं ठीक है कि इस ग्रुप से भी हमने क्या किया दस का चुनाव कर लिया इस ग्रुप से भी दस इकाइयों का चुनाव कर लिया इससे भी दस इकाइयों का चुनाव कर लिया ठीक है ये आपका गैर अनुपातिक हो जाएगा मतलब जो हमने ये स्टेटा बनाए हैं जो ये हमने वर्ग बनाए हैं जो हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है उनसे समान अनुपात से या गैर अनुपातिक रूप से हम क्या करेंगे इकाइयों का चयन कर लेते हैं तो इस विधि को हम क्या कहते हैं वर्गबद्ध या यात्रित सैंपलिंग कहेंगे स्टेटिफाइड सैंपलिंग कहेंगे ठीक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो स्टेटिफाइड सैंपलिंग होता है उसमें हम क्या करते हैं पूरे समूह को जो हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है उनको समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं प्रत्येक ग्रुप में ये जो आपका ग्रुप होगा उसमें सारे जो आपके डेटा होंगे यूनिट्स होगी वो सब एक जैसी विशेषताओं वाली होगी दूसरे ग्रुप में जो होगी वो भी एक जैसी होगी मतलब इन सभी ग्रुप में हमने क्या कर दिया समान विशेषता वाली इकाइयों को ले लिया माना कि एक कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हो वहां पे बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं तो उनको आपने दो भागों में बांट दिया इधर आपने क्या ले लिया गर्ल्स और इस वाले ग्रुप में आपके गर्ल्स हैं इस वाले ग्रुप में क्या है बॉयज हैं तो ये पूरा ग्रुप क्या है इसमें केवल गर्ल्स हैं इस वाला ग्रुप में क्या है बॉयज है मतलब समान विशेषताओं के आधार पर आपने विभाजित कर दिया है तो आपका कौन सा हो गया अब ये होमोजीन बन गया ठीक है और इनको हम क्या कहते है? स्टेटा कहते हैं हैं स्टेटा फिर कुछ इकाइयों का चयन हम इसमें से कर लेंगे कुछ हम इसमें से कर लेंगे और फिर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है स्टडी की जाती है तो इनको हम क्या कहते हैं स्टेटिफाइड मेथड कहते हैं फिर नेक्स्ट हमारी है समूह या गुच्छ ठीक है क्लस्टर विधि जिसको हम कहते हैं क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग अब देखिए क्लस्टर में क्या होगा कि जो हमारा सांख्यिकी अनुसंधान है उसमें भी हम क्या करेंगे जो पॉपुलेशन है उसको विभिन्न अलग अलग ग्रुप में हमको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है जैसे ये हमारा कॉलेज था कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको हमने क्या कर दिया तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया ठीक है ये हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो गए हमारे कॉमर्स के हो गए यह हमारे साइंस के स्टूडेंट हो गए ठीक है तीन ग्रुप में विभाजित कर दिया अब हम क्या करें इन तीनों में से लेके स्टडी अगर करें ठीक ले है माना कि एक गांव है ठीक है या उदयपुर शहर ले, ले लेते हैं हम कि ये हमारा उदयपुर शहर है ठीक है यहाँ पर कोई इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के बाद में हम ओपिनियन पोल जानना चाहते हैं कि कौन सी जो पार्टी है वो जीतेगी तो सबसे पहले क्या कर दिया ये जो उदयपुर आपकी सिटी है उनको हमने क्या कर दिया अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर दिया माना कि 50 वार्ड में हमने इसको डिवाइड कर दिया ठीक है उदयपुर जो सिटी है उनको हमने 50 वार्ड में डिवाइड कर दिया फिर इनको हम क्या कहेंगे क्लस्टर कहेंगे फिर अब 50 वार्ड हैं अलग अलग समूह में विभाजित कर अब 50 वार्ड हैं उसमें हम क्या करेंगे अलग अलग मोहल्ले ले लेंगे लें लें ठीक है पांच पांच मोहल्ले में विभाजित कर दिया पांच मोहल्ले दस मोहल्ले अपन कुछ भी ले सकते हैं ठीक है तो प, पचास वार्ड थे पचास वार्ड को हमने क्या किया मोहल्लों में डिवाइड कर दिया ठीक है पांच पांच मोहल्ले अब ये जो पांच मोहल्ले लिए हैं इनमें से हमने क्या किया पांच पांच व्यक्तियों को ले लिया ये जो था इसमें से भी पांच पांच व्यक्तियों को ले लो इन सभी में से हमने क्या कर दिया पांच पांच व्यक्तियों का चुनाव कर लिया ठीक है और फिर उन पांच पांच व्यक्तियों से हम जो ग्रुप बने हैं जैसे ये भी पांच व्यक्तियों का ग्रुप बना है ये भी पांच का बना है ये बहुत सारे हमारे क्या बन गए क्लस्टर बन गए ठीक है ये पांच पांच व्यक्तियों के समूह बन गए ऐसे बहुत सारे बन गए माना के ठीक है ये बहुत सारे बन गए इन सभी में क्या है पांच पांच व्यक्ति हैं अब इनमें से वापस है, कहेंगे? कहेंगे. है लिया इस इसमें पांच व्यक्ति होंगे इसमें इसको सेलेक्ट कर लिया ये भी पांच होंगे मतलब रेंडमली सेलेक्ट किया जिसमें सभी के आने के चांसेस क्या हैं समान फिर इसको सेलेक्ट कर लिया माना कि एक हमने इसको सेलेक्ट कर लिया इसमें भी पांच व्यक्ति हैं इसमें भी आपके पांच व्यक्ति हैं इसमें भी पांच व्यक्ति हैं इसमें भी पांच व्यक्ति हैं सभी में पांच पांच व्यक्ति जिनको आपने चुन लिया है और जिनको नहीं चुना है उनमें भी पांच पांच व्यक्ति हैं तो इन पांच पांच व्यक्तियों से अब हम क्या करेंगे इंटरव्यू करेंगे साक्षात्कार करेंगे मतलब हमको जो भी सूचनाएं प्राप्त करनी है वो इन लोगों से प्राप्त करेंगे इसको हम क्या करेंगे इसको हम क्या कहेंगे क्लस्टर सैंपलिंग कहेंगे समूह प्रति कहेंगे ठीक है लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमने वर्गीकरण किया है उसमें क्या है आपके सभी तरह की इकाइया हैं देखो जो हमारा स्टेटिफाइड था उसमें हमने जो ग्रुप लिए थे जैसे इस ग्रुप में क्या था केवल गर्ल्स हैं इस वाले ग्रुप में क्या है केवल बॉयज हैं लेकिन जो क्लस्टर सैंपलिंग होगा तो क्लस्टर सैंपलिंग में जैसे हमने क्या कहा था पांच व्यक्तियों का चुनाव किया है ठीक है उसमें पांच व्यक्ति आपके गर्ल्स भी होंगी बॉयज भी होंगे ठीक है दूसरा जो ग्रुप था उसमें आपके गर्ल्स भी होंगे बॉयज भी होंगे मतलब उसमें समान होंगे ठीक है सॉरी इसमें दोनों तरह के होंगे लेकिन इसमें आपके क्या था समान विशेषताओं के आधार पर था मतलब पूरा जो एक ग्रुप था वो क्या था आपका होमोजीनियस था ठीक है लेकिन यहाँ पे होमोजीनियस नहीं है ठीक है यहाँ पे जो इकाइया आपकी हैं प्रतिदर्श की जो इकाइया हैं वो मिक्स है मतलब उसमें सभी प्रकार के वो हमने शामिल किया है ठीक उसमें है उसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज मतलब भी हैं मतलब पुरुष भी हैं महिलाएं भी दोनों तरह के हैं इस वाले ग्रुप में लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड वाले में था उसमें क्या था हमारा समान विशेषताओं वालों को ही हमने सम्मिलित किया था तो आपको दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा अब देखो जब हम पढ़ते हैं तो उससे संबंधित कुछ दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो भी आपको शॉर्ट में एक बार देखना है कि प्रतिचयन और अप्रतिचयन त्रुटियां क्या होती है सैंपलिंग एरर क्या होता है नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है तो देखिए जो प्रतिचयन त्रुटियां होती हैं सैंपलिंग एरर का मतलब क्या हो गया कि जो हमने सैंपल लिया है ठीक है सैंपल से जो मूल्य हमने निकाला है उसको हम क्या कहते हैं प्रतिदर्श आकलन कहेंगे ठीक है और जो समस्ती का जो हमारा मूल्य जो हमारा वास्तविक मूल्य होता है उनको दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं प्रतिचयन त्रुटिया कहते हैं माना कि आपने सैंपल लेके उसका समांतर माध्य निकाला है ठीक है एक्स बार वो आपका कितना आया है हंड्रेड आया है लेकिन पूरे समूह का जो समांतर माध्य है वो कितना है माना कि नाइनटी है तो दोनों का जो डिफरेंस है हंड्रेड माइनस नाइनटी दोनों का डिफरेंस कितना है टेन तो इस टेन को हम क्या कहेंगे प्रतिदर्श आकलन कहेंगे सॉरी इसको हम प्रति चयन त्रुटि कहेंगे सैंपलिंग एरर कहेंगे सैंपलिंग एरर क्या होती है कि जो हमारा पैरामेट्रिक वैल्यू है और जो एस्टिमेटेड एस्तिमे, वैल्यू है दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते है? हैं प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं ठीक है जो हमारा प्रतिदर्श आकलन है और जो समस्ती का वास्तविक मूल्य है दोनों के डिफरेंस को आकार अगर छोटा है ठीक है, है, है।, है, है कम सैंपल लेने से प्रतिदर्श का आकार अगर छोटा है, अगर है तो इस प्रकार से जो त्रुटि होगी उसको हम क्या कहते हैं चयन त्रुटि और इसको कैसे दूर कर सकते हैं प्रतिदर्श के आकार को बढ़ाकर माना कि सो में से हमने दस व्यक्तियों का चुनाव किया और फिर इससे जो रिजल्ट निकाला है तो उससे दोनों वैल्यू में जो हमारे पैरामेट्रिक वैल्यू है और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है जो समस्ती का मूल्य है और जो प्रतिदर्श का मूल्य दोनों के बीच में डिफरेंस आया है तो इस वजह से आया होगा क्योंकि हमने जो सैंपल लिया वो कम लिया है या फिर जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है वो प्रतिनिधित्व नहीं है रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पूरे समूह का वो प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो इसी इस स्थिति में अगर हम समूह के आकार जो सैंपल है उसके आकार को बढ़ा के जैसे दस की जगह अगर हम क्या कर दें दे कर दें तो दस की जगह बीस करने से हमारी जो ये एरर है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इसको हम क्या कहते हैं प्रतिचैन त्रुटि कहते हैं सैंपलिंग एरर एक तरह से किस वजह से आती है जो सैंपल की साइज है या जो सैंपल हमने लिया है वो सही से अगर उनका चुनाव नहीं किया है और ये भी दो प्रकार की होती हैं ठीक है ये कौन कौन सी होती हैं एक तो आपकी होती हैं अभिनत या जिसको हम कहते हैं बायस्ड ठीक है biased, पक्षपात संबंधी मतलब जो सूचना देने वाले व्यक्ति हैं या जो सूचना लेने वाले व्यक्ति हैं अगर वो पक्षपात करते हैं किस प्रकार किसी प्रकार की तो पक्षपात के कारण जो उत्पन्न होगी उसको हम क्या कहते हैं अभिनत विभ्रम कहेंगे बायस्ड एरर कहेंगे जबकि अनभिनत क्या होती है कि जो सूचना लेने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है उनकी असावधानी के कारण या फिर संयोगवश अगर उत्पन्न हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं अनभिनत कहते हैं अनबायस कहते हैं और जब पदों की संख्या ज्यादा होगी तो ये क्या होगी अपने आप ही एक तरह से क्या होगी कम होने लग जाएगी ठीक है जो अनभिनत त्रुटि होती है वो पदों की संख्या अधिक होने के साथ साथ में क्या हो जाएगी कम लेकिन जो अभिनत है बायज है पक्षपात संबंधी है वो पदों की संख्या या जो इकाइया सिंपल की इकाइया है वो बढ़ने के साथ साथ में क्या होती है बढ़ती जाएगी दूसरी हमारी कौन सी होती है अप्रति चयन त्रुटिया नॉन सैंपलिंग देखो सैंपलिंग में तो जो सैंपलिंग की वजह से उत्पन्न हुई है प्रतिदर्श के कारण हुई है लेकिन जो नॉन सैंपलिंग होती है वो प्रतिदर्श के अलावा अन्य कारण से जैसे कि जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं गलत जानकारी को अगर ले लिया है ठीक है या आंकड़ों को जो हमने रजिस्टर में भर रहा है वो गलत भर लिया मना जैसे कि आपने थर्टी वन की जगह आपने क्या लिख दिया वन थ्री लिख दिया उल्टा लिख दिया ठीक है तो मतलब आंकड़ों को हमने गलत तरीके से रजिस्टर में भर लिया या जिन लोगों से हमको सूचना प्राप्त करनी है ठीक है उन लोगों से हमको सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिनको हम कहते हैं अनुत्तर संबंधी त्रुटि कह सकते हैं तो अनुत्तर संबंधी हो सकता है ठीक है या फिर आपका आंकड़ों की गलत जानकारी हो सकती है गलत तरीके से हो सकता है या आपने जो प्रश्नावली बनाई है वो गलत गलत प्रश्नावली अगर बन जाए आपकी मतलब ये सारे प्रकार की जो त्रुटियां हैं उनको हम किस में लेंगे गैर प्रतिचैन में और दोनों में से जो ज्यादा गंभीर मानी जाती है वो कौन सी होती है अप्रतिचय त्रुटि जो होती है वो ज्यादा गंभीर मानी जाती है क्यों क्योंकि ये त्रुटि किस वजह से उत्पन्न हो रही है क्योंकि जो डेटा इकट्ठे किए हैं उनको गलत तरीके से एक तरह से रजिस्टर में दर्शाया गया है ठीक है आंकड़ों की गलत जानकारी के कारण उत्पन्न हुई है इसलिए ये ज्यादा गंभीर मानी जाती है ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है अब देखिए नेक्स्ट हमारा है design, है डिजाइन ठीक जो अभिकल्पना होती उसकी क्या प्रोसेस होती है तो सबसे पहले हम जब डेटा इकट्ठे करेंगे सैंपल अगर हम लेंगे तो सैंपल किस तरीके से लिया जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा जो हमारा समग्र होगा पॉपुलेशन होगा उसको हम क्या करेंगे डिफाइन जैसे एक कॉलेज के बारे में अगर आपको स्टडी स्टडी करनी है तो यहाँ पे आपका समग्र क्या होगा ठीक है पॉपुलेशन क्या होगी कॉलेज के जो स्टूडेंट होंगे उनको हमको डिफाइन करना पड़ेगा मतलब कि हमारा जो अनुसंधान का विषय है उनसे संबंधित हमारी इकाइया कौन कौन सी है हमारा जो पॉपुलेशन है समग्र है वो क्या है उसमें जो यूनिट है उनको हमको डिफाइन करेंगे मतलब सबसे पहले जनसंख्या जो है उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा फिर उनमें से हमको जो सैंपल लेना है ठीक है वो किन से सैंपल लेना है उनको हम क्या करेंगे न्यायदर्श फ्रेम का निर्धारण करेंगे ठीक है सबसे पहले हम जनसंख्या को परिभाषित करेंगे उसके बाद में हमारा जो सैंपलिंग ढांचा है सैंपलिंग फ्रेम क्या है उसको हमको डिफाइन करने का पड़ेगा मतलब कि ये एक हजार लोग इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं एक हजार स्टूडेंट लेकिन हमारा जो अनुसंधान है हमारा जो अनुसंधान का विषय है उनसे संबंधित स्टूडेंट्स कितने हैं माना कि आठ सौ ही हैं ठीक है हम स्टडी कर रहे हैं कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के बारे में ठीक है वो कितने हैं माना कि इस कॉलेज में आर्ट्स ही है मतलब टोटल हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी एक हजार लेकिन हमारा जो अनुसंधान का विषय है उनसे संबंधित जो पॉपुलेशन है वो हमारा न्यायदर्श फ्रेम होगा ठीक है सैंपलिंग फ्रेम है उसमें कितने हैं एट हंड्रेड स्टूडेंट है अब इस एट हंड्रेड में से हम स्टडी करने के लिए क्या करेंगे कुछ सैंपल लेंगे कुछ प्रतिदर्श लेंगे कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसको सिलेक्ट करने की अलग अलग विधियां होती है जो हमने ऊपर पढ़ी है तो न्यायदर्श की विधियां का चयन किया जाएगा मतलब 800 में से माना कि हमको 100 स्टूडेंट का अगर चयन करना है ठीक है तो इन 100 स्टूडेंट को हम किस तरीके से चयन करेंगे ठीक कौन सी मेथड का यूज करेंगे बहुत सारी मेथड हमने देखी ऊपर ठीक है सरल यादृच्छिक प्रणाली से सिंपल रैंडम जो सिस्टम था सैंपलिंग का उससे करेंगे या फिर क्रमबद्ध तरीका यूज करेंगे लेंगे या फिर क्लस्टर सैंपलिंग कौन सी मेथड का हम यूज करेंगे वो निर्धारण करना होता है फिर उसके बाद में हमको निर्धारित करना होगा कि हम मेथड के बाद हम क्या देखेंगे न्यायदर्श मतलब इन एक हजार इकाइयों में से हमको कितना सैंपल लेना है सौ लेना है दो सौ लेना है तीन सौ लेना, लेना है का पचास लेना है कितना लेना है और इसके बारे में एक नियम होता है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो पूरा समूह होता है उसमें से जो हम सैंपल ले रहे हैं वो सैंपल उस पूरे समूह में जितनी इकाइयां हैं उसका कम से कम पांच परसेंट होना चाहिए पांच परसेंट से ज्यादा कम नहीं हो सकता मतलब अगर एक हजार इकाइया अगर हमारे पॉपुलेशन में है तो एक हजार का पांच परसेंट आपका कितना होगा पचास होगा माना के ठीक है तो कम से कम पचास इकाइयों को तो हमको चुनाव करना ही पड़ेगा तभी हमारा जो रिजल्ट है वो बेटर रहेगा ठीक है ऐसा नहीं हमने क्या किया केवल इस एक हजार में से दस इकाइयों का चुनाव कर लिया सैंपल ले लिया और फिर हम स्टडी कर रहे हैं मतलब एक नियम के अनुसार अगर चला जाए तो कम से कम पांच परसेंट तो होने ही चाहिए ठीक है अगर ज्यादा लेंगे हम एक हजार में से पांच तो कितना हो पचास लेकिन अगर हम दस परसेंट ले लें हमारा कि सोए का आएगा चेन कर ले तो हमारा रिजल्ट क्या होगा ज्यादा एक्यूरेट आएगा ज्यादा सही आएगा तो न्यायदर्श का जो आकार है वो कितना होगा ठीक है हम हमारी स्टडी के लिए हम देखेंगे कि हम हम कम कम से कितना सैंपल लेवें और फिर ये पूरी प्रक्रिया जो होगी उसको क्या कहेंगे न्यायदर्श की प्रक्रिया ठीक है तो ये आपका क्या हो गया सैंपलिंग डिजाइन अच्छा तो सैंपलिंग डिजाइन को अगर हम परिभाषित करें तो सैंपलिंग डिजाइन एक तरह से क्या होगी वह प्रक्रिया जो समग्र में से ठीक है वह प्रक्रिया जो समग्र में से न्यायदर्श का सैंपल का चयन करने के लिए अपनाई जाती है ठीक है ये पूरा हमारा पॉपुलेशन है उसमें से हम कुछ इकाइयों को चयन करेंगे कि एक हजार में से सो इकाइयों का अगर हम चयन करना है तो किस तरीके से चयन करेंगे ठीक है ये पूरी मेथड आपकी क्या होती है सैंपलिंग और चयन करने की जो आपकी पूरी प्रक्रिया है कि ये हमारी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे इसमें से हमारा जो सैंपलिंग फ्रेम है वो क्या होगा फिर कौन सी मेथड का प्रयोग किया जाएगा कितने सैंपल लिए जाएंगे उस, इस पूरी प्रोसेस को ठीक है हम क्या कहते हैं सैंपलिंग डिजाइन कहते हैं प्रति चयन अभिकल्पना कहते हैं और सैंपलिंग डिजाइन जो होती है वो दो प्रकार की होती है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं सबसे पहली आपकी कौन सी है प्रोबेबिलिटी संभाविता और दूसरी हमारी कौन सी है नॉन प्रोबेबिलिटी असंभाविता जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट हमारा है सैंपलिंग यूनिट क्या होती है प्रतिदर्श इकाई किसे कहते हैं तो देखिए जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या किया था कि जो पॉपुलेशन थी ठीक है जो हमारा समग्र था जिसमें बहुत सारी इकाइया थी माना कि एक हजार इकाइया है दो हजार जो भी हम मान लेते हैं इस पूरे में से हमने क्या किया कुछ इकाइयों का सिलेक्शन किया था सेलेक्ट किया था जिसको हमने क्या कहा था प्रतिदर्श तो अब देखो प्रतिदर्श में ये जो इकाइया है ठीक है कोई व्यक्ति हो सकता है कोई परिवार हो सकता है अगर हम बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हैं कोई स्कूल हो सकता है कोई गांव हो सकता है कोई जिला हो सकता है तो जो हमारा सैंपल साइज है जो हमारा सैंपल है तो प्रतिदर्श की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं सैंपलिंग यूनिट कहते हैं जैसे हम एक कॉलेज के बारे में स्टडी कर रहे ठीक कि ये कॉलेज के विभिन्न स्टूडेंट से उनमें से हमने कुछ सैंपल लिए हैं ये कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है तो ये जो स्टूडेंट है इनको हम क्या कहेंगे प्रतिदर्श की इकाई कहेंगे सैंपलिंग यूनिट कहेंगे जैसे माना कि हम किसी स्टेट में माना कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो राजस्थान है ठीक है राजस्थान में लोगों का जो साक्षरता का स्तर है वो क्या है उसके लिए हमने क्या किया अलग अलग जिलों में विभाजित किया राजस्थान को फिर जिलों को हमने माना कि तहसीलों में डिवाइड किया है और उन तहसीलों से हमने क्या किया जो हमारा अनुमान है उनको हमने जो हमारे आंकड़े हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो तहसील है वो आपकी क्या बन जाएगी सैंपलिंग यूनिट बन जाएगी ठीक है मतलब जो भी हमारा प्रतिदर्श है जो सैंपल हमारा है उसकी मतलब जो भी हमने जनसंख्या है पॉपुलेशन है उनमें से हमने जो भी सैंपल लिया है तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है प्रतिदर्श की सबसे छोटी इकाई को एक तरह से हम क्या कहेंगे सैंपलिंग यूनिट कहेंगे जहां से हम आ, सूचनाओं को प्राप्त कर रहे हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये हमारा जो स्टडी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सैंपलिंग यूनिट क्या है ठीक है सैंपलिंग यूनिट एक तरह से क्या होगी प्रतिदर्श इकाई क्या हो गई है कि जो हमने पॉपुलेशन में से सैंपल लिया है प्रतिदर्श लिया है तो जिन से हमको सूचनाएं प्राप्त करनी है वही हमारे लिए क्या होगा सैंपलिंग यूनिट होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सैंपल हैं प्रतिदर्श है उसके सबसे छोटा घटक जो होता है वो सबसे छोटा घटक क्या होता है सैंपलिंग यूनिट होती है प्रतिदर्श इकाई होती है कौन हो सकती हैं? कोई व्यक्ति हो सकता है कोई संस्था हो सकती है कोई एक स्कूल हो सकता है कोई एक गांव हो सकता है कोई एक, एक जिला हो सकता है जिनको हम क्या कहेंगे प्रतिदर्श इकाई कहेंगे ठीक है न्यायदर्श या प्रति चयन चुनने से पहले ही जनसंख्या का वर्गीकरण किया जाता है ठीक है जनसंख्या मतलब जो हमारा पूरा समूह है समग्र है उसको हम क्या कर देते हैं वर्गीकृत कर देते हैं ठीक है ठीके? और जो हमारी सबसे छोटी इकाई होगी अनुसंधान की उसी को हम क्या कहेंगे प्रतिदर्श इकाई कहते हैं सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं अच्छा प्रतिदर्श ढांचा क्या होता है न्यायदर्श फ्रेम क्या होती है उसको भी हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से ऊपर समझा था कि प्रतिदर्श हमको जो लेना है ठीक है ये पूरा हमारा समूह है समग्र है पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं इनमें से हम क्या करते हैं कुछ इकाइया जहां से हमको सूचनाएं प्राप्त करनी है उनको हम देखेंगे जो हमारा क्या होगा न्यायदर्श फ्रेम ठीक है जैसे एक गांव में दस हजार लोग हैं अब हमारी जो स्टडी है वो किसके बारे में है हमें ये पता करना है कि लोगों में साक्षरता की स्थिति क्या है ठीक है लोगों में साक्षरता की स्थिति को जानने के लिए हमने क्या किया वहां पे जो दस वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनसे हमको सूचनाएं प्राप्त करनी है तो दस वर्ष से ऊपर के लोग कितने हैं ये हमारा क्या बन जाएगा चयन फ्रेम बन जाएगा ठीक है न्यायदर्श फ्रेम जिसको हम कह सकते हैं या सैंपलिंग फ्रेम मतलब हमारे अनुसंधान से संबंधित जो हमारा अनुसंधान से संबंधित सूचनाएं जिनसे हमको प्राप्त करनी है उसको हमने एक तरह से अलग ये ग्रुप बना दिया है कि अब हमको इनसे सूचना प्राप्त करनी है मतलब इसमें जिन लोगों से हमको सूचनाएं प्राप्त करनी है उनकी समस्त जानकारी होती है हमारा पूरा मैप हो सकता है ठीक है उनसे किस तरीके से कॉन्टेक्ट करना है ये सारी जानकारी जो होती है उसी को हम क्या कहेंगे प्रति चयन ढांचा मतलब एक हजार में से अगर हमको सौ लोगों से सूचना प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारा न्यायदर्श फ्रेम क्या है उसका निर्धारण करेंगे ठीक है जिनसे हमको सूचनाएं प्राप्त करनी है वो हमारे इस पूरे समूह का क्या करे प्रतिनिधित्व करें जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझते हैं कि ये हमारा पूरा समूह है ठीक है एक कॉलेज के बारे में हम, हम स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे इस कॉलेज में माना कि कितने स्टूडेंट्स हैं वन थाउजेंड ठीक है तो ये वन थाउजेंड हमारा क्या हो गया पॉपुलेशन हो गया अब हमने क्या किया कि जो हमको स्टडी करनी है उसमें हमको कुछ सैंपल लेना पड़ेगा तो यहाँ पे इस कॉलेज में क्या है आर्ट्स स्ट्रीम भी है कॉमर्स भी है साइंस भी है ठीक है अलग अलग संख्या यहाँ पे हैं आर्ट्स साइंस कॉमर्स लेकिन हमें जो स्टडी करनी है उसमें माना कि हमको आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ही लेना है इसका मतलब हमारा जो प्रति चयन का फ्रेम बन गया है आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो गए हैं ठीक है आर्ट्स प्लस कॉमर्स के स्टूडेंट्स और वो कितने हैं उस कॉलेज में 800 हैं बाकी 200 साइंस के स्टूडेंट्स है जिनको हमको जिनसे हमको इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है तो सबसे पहले हमने देख लिया हमारे पॉपुलेशन कितनी सामग्री किए कितनी थी एक हजार लेकिन हमारे अनुसंधान से संबंधित ठीक है जिनसे हमको सूचना प्राप्त करनी है ठीक है जो हमारे अनुसंधान के अनुकूल है वो कितनी है आठ ही है अब हम इन में इनको क्या कहेंगे प्रतिदर्श फ्रेम कहेंगे इनमें से हमने क्या किया पचास इकाइयों का चयन कर लिया अस्सी इकाइयों का, का चयन कर लिया सौ इकाइयों का, का चयन कर लिया तो जो सैंपल लिया वो हमने कितना लिया है पचास है ये पचास स्टूडेंट जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो हमारे लिए क्या है सैंपल हैं और 50 में से प्रत्येक एक स्टूडेंट हमारे लिए क्या होगा सैंपलिंग यूनिट होगा प्रति चैन प्रतिदर्श इकाई होगा प्रत्येक इकाई ये जो पचास स्टूडेंट हैं उसमें माना कि ए बी है एक का नाम बी है एक का नाम सी है एक का नाम डी है तो ये A, B, C, D, अलग -अलग ये हमारे लिए क्या है प्रतिदर्श इकाई है सैंपलिंग यूनिट इसको हम कहेंगे तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है फिर हमारा जो सैंपलिंग फ्रेम है न्यायदर्श ढांचा जिसको हम कह सकते हैं प्रति ढांचा ढांचा हैं इंग्लिश आपको याद रखनी है सैंपलिंग फ्रेम ठीक है सैंपल फ्रेम क्या होता है फिर सैंपलिंग क्या होती है और फिर सैंपलिंग यूनिट क्या होती है तो देखिए ये जो पचास स्टूडेंट का हमने सेलेक्ट किया है तो पचास में से प्रत्येक स्टूडेंट की अगर हम बात करें पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सब क्या है सैंपलिंग यूनिट है ठीक है हमारा जो सैंपल है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो एक तरह से क्या होती है सैंपलिंग यूनिट होती है उसके बाद में देखिए प्रति चयन भिन्न क्या होता है या जिसको हम सैंपलिंग फ्रैक्शन कहते हैं न्यायदर्श भिन्न कहते हैं तो न्यायदर्श भिन्न का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा पूरा समूह था ठीक है माना कि ये हमारा पूरा समूह है इसमें कितने स्टूडेंट से ग्रुप में हंड्रेड इनमें से हमने सैंपल लिया कितने का सैंपल लिया है पांच स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया है ठीक है पूरा समूह जो है उसमें कितनी है? कितनी हंड्रेड लेकिन हमने कितना लिया पांच तो यहाँ पे आपका जो सैंपलिंग फ्रैक्शन है वो कितना होगा जो हमने सैंपल लिया है उसको हमने क्या लिख दिया एन ठीक तो है एन हमारा क्या है सैंपलिंग साइज है साइज ऑफ सैंपल हम कह सकते हैं और टोटल जो पॉपुलेशन है उसको हम किससे लिखते हैं कैपिटल एन से तो ये जो दोनों अनुपात हैं स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन इसी को हम क्या कहते हैं फ्रैक्शन कहते हैं न्यायदर्श भिन्न कह सकते हैं ठीक है मतलब यहाँ पे तो हो जाएगा आपका फाइव अपॉन हंड्रेड और फाइव अपॉन हंड्रेड का मतलब क्या हो गया पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो अगर परसेंटेज में देखें तो पॉइंट जीरो फाइव को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 5 परसेंट तो प्रति चैन भिन्न या न्यायदर्श भिन्न एक तरह से क्या दर्शा रहा है कि जो हमारा पूरा पॉपुलेशन था समूह था उसमें से हमने कितना सैंपल लिया है फाइव परसेंट ठीक है सो में से हमने पांच लिया इसका मतलब परसेंटेज में कितना है फाइव परसेंट तो ये प्रति चैन भिन्न जो होता है न्यायदर्श भिन्न सैंपलिंग फ्रैक्शन क्या बताता है कि हमने टोटल पूरे ग्रुप में से पूरे समूह में से जनसंख्या में से कितना परसेंट सैंपल लिया है ठीक है उसको हम क्या कहेंगे प्रतिचयन भिन्न कहते हैं और इसका हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्रतिचयन फ्रेम फ्रैक्शन इक्वल टू स्मॉल एन, एन, एन का मतलब क्या हो गया साइज ऑफ सैंपल अभी वाले उदाहरण में हमारी साइज ऑफ सैंपल कितनी थी सो में से हमने पांच लिया था ठीक है पांच हमारा क्या है सैंपल है पूरे समूह में इकाया कितनी थी कितने स्टूडेंट्स थे हंड्रेड थे तो ये हंड्रेड आपका क्या हो गया कैपिटल एन हो गया फाइव अपॉन हंड्रेड ये आप क्या क्या हैं प्रति चयन भिन्न कहेंगे और देखिए ये जो प्रति चयन भिन्न है ठीक है वो क्या बताएगा कि जो हमारा टोटल पॉपुलेशन है समग्र है जो हम स्टडी कर रहे हैं कम से कम हमारा फाइव परसेंट जो है वो तो सैंपल होना ही चाहिए जो मैं आपको ऊपर पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारा समूह होता है उसमें से हम जो प्रतिदर्श लेते हैं सैंपल लेते हैं तो सैंपल मिनिमम कितना होना चाहिए पूरे समूह में जितनी भी इकाइयां हैं उसका फाइव परसेंट तो कम से कम होना ही चाहिए ठीक है ये आपका एक नियम है एक तरह से उसके अनुसार अगर हम देखिये और ये देखिए इसका जो फ्रैक्शन है ये जितना एक के पास होगा उतना ही क्या होगा उसमें जो सैंपल है उसकी मात्रा क्या होगी अधिक होगी जैसे देखिए सो में से अगर आपने पांच इकाइयां लिए हैं सैंपल तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा फाइव अपॉन हंड्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा पॉइंट जीरो फाइव हो जाएगा अगर आपने दस सिकायें ली है तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट वन हो जाएगा अगर आपने बीस सिकाये ली हैं तो पॉइंट टू हो जाएगा अगर आपने पचास सिकाएं ली तो आपका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन पॉइंट फाइव हो जाएगा मतलब एक के नजदीक आता जाएगा कब आता जाएगा जब सैंपल की साइज क्या होगी बढ़ेगी ठीक है जब सैंपल ज्यादा होता है तो हमारा ये जो सैंपलिंग फ्रैक्शन है वो कितना होगा एक के पास होगा अब है हमारा कि जो सैंपलिंग है जो सिंपल रेंडम सैंपलिंग हमने पढ़ी थी सिंपल रेंडम सैंपलिंग ठीक है इसके भी दो प्रकार होते हैं ठीक है जो सिंपल रेंडम सैंपलिंग हम लेंगे वो दो प्रकार के होगा एक तो क्या होगा विद रिप्लेसमेंट ठीक है मतलब जो इकाई हमने एक बार चयन की है उसके चुने जाने की संभावना वापस दोबारा भी दूसरी बार भी हो सकती है लेकिन जब दूसरी बार संभावना नहीं होती है वो आपका होगा विदाउट रिप्लेसमेंट ठीक है बिना प्रतिस्थापन के तो एस आर एस सिंपल रेंडम सैंपलिंग जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहला आपका है डब्ल्यू आर या इसको हम कह सकते हैं एस आर एस डब्ल्यू आर ठीक है फर्स्ट आपका कौन सा आ जाएगा एस आर एस डब्ल्यू आर प्रतिस्थापन के साथ में और दूसरा आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा प्रतिस्थापन के बिना एस आर एस डब्ल्यू ओ आर ठीक है इन दोनों को हम एक-एक करके देखते हैं तो सबसे पहला हमारा कौन सा है प्रतिस्थापन के साथ प्रतिदर्श इकाइयों का चयन ठीक है एस आर एस डब्ल्यू आर सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट ठीक है इसका फुल फॉर्म क्या हो गया सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया प्रतिस्थापन के साथ अब प्रतिस्थापन के साथ का मतलब क्या हो गया देखिए ये हमारा एक पॉपुलेशन का समूह है ग्रुप है उसमें ये बहुत सारी इकाइयां हैं ठीक है यहां चाहे जिनको हम नाम लिख देते हैं ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है ये ई e है ठीक है पूरा जो हमारा समूह है उसमें कितनी इकाइयां हैं? पांच इकाइयां हैं कौन कौन सी ए बी सी डी ई ठीक है अब रेंडमली हमने क्या किया इनमें से किसी एक को अगर चुनेंगे तो सभी के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी बराबर होगी ठीक है इसमें जो हम एक इकाई सैंपल लेंगे वो कौन सी हो सकती हैं ए भी हो सकती हैं बी भी हो सकती है सी भी हो सकती है डी भी हो सकती है ई e भी हो सकती है मतलब सभी के चुने जाने के जो अवसर हैं वो क्या है समान है और सभी इकाइया एक से अधिक बार भी चुनी जा सकती हैं, ठीक है ठीके? एक से अधिक बार कैसे चुनी जा सकती हैं? कि माना कि हमने पहली बार में किसी इकाई का रेंडमली जैसे सेलेक्ट किया है ठीक है जैसे माना कि हमने पांच पर्ची बनाई है उसको एक बॉक्स में डाल दिया फिर एक पर्ची हमने बाहर निकाली ठीक है माना कि वो पर्ची कौन सी आ गई है इस, इस बॉक्स में डाल देंगे ठीक है और दूसरा जो सैंपल हम लेंगे तो दूसरे सैंपल में वापिस क्या होगा ए भी आ सकता है बी भी आ सकता है सी भी आ सकता है डी भी आ सकता है ई e भी, मतलब भी आ सकता है मतलब वापस बी भी आ सकता है ठीक है देखो ए भी आ सकता है सी आ सकता है डी आ सकता है ई आ सकता है लेकिन बी दोबारा भी चुना जा सकता है इसलिए क्या होता है प्रतिस्थापन के साथ प्रतिदश मतलब पहले जो सैंपल ले लिया गया है उसके दोबारा चुने जाने के अवसर भी क्या है वापिस सामान्य मतलब सभी इकाइयों के चुने जाने के अवसर प्रायिकता संभावना जब समान होती है तो उसको हम क्या कहते हैं प्रतिस्थापन के साथ प्रतिदर्श इकाइयों का चयन एस आर डब्ल्यू आर ठीक है अब देखिए तो पहला हमारा सैंपल था बी और दूसरी बार क्या है बी भी, भी हो सकता है या पहली बार अगर बी आया है तो दूसरी बार ए भी हो सकता है ठीक है या पहली बार अगर बी आया है तो दूसरी बार का जो सैंपल है वो हमारा सी हो सकता है या फिर पहली बार अगर बी आया है लेकिन दूसरी बार डी भी आ सकता है या एक और स्थिति हो सकती है कि पहली बार बी आया और दूसरी बार में ई e आए तो ये हमारी स्थितियां पांच स्थितियां हो सकती हैं ठीक है बी की केवल बी के बारे में लेकिन ऐसी स्थितियां पांच 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 सबके लिए होगी ठीक है तो इसको हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा ठीक है कि कुल प्रतिदर्श हम कितने ले सकते हैं दो दो, दो जनसंख्या तो है उसमें से अगर हम दो इकाइयों का चयन करेंगे तो कितने तरीके हो सकते हैं उसके तो टोटल आपके हो सकते हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं एन की पावर स्मॉल एन से मतलब कुल इकाइया अगर एक समूह में पांच है और हमने उसमें से सैंपल कितने लिए हैं दो लिए हैं तो आपका जो स्मॉल एन है वो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा फाइव की पावर टू फाइव की पावर टू का मतलब क्या हो गया फाइव इंटू फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये ट्वेंटी फाइव मतलब कुल सैंपल हम उसमें से कितने ले सकते हैं ट्वेंटी फाइव ले सकते हैं अब ट्वेंटी फाइव कैसे ले सकते हैं देखिए जैसे आपको मैंने अभी उदाहरण बताया था उसको आप वापस देख लीजिए इस पूरे समूह में आपके पास में क्या है पांच इकाइया है कौन कौन सी है ए बी सी डी और ई e. ठीक है अब प्रतिस्थापन के साथ का मतलब क्या हो गया जो इकाई हमने एक बार चुन ली है उसको हम वापस क्या करेंगे उस बॉक्स में डाल देंगे ठीक है उस पर्ची को वापस बॉक्स में डाल देंगे और फिर हम इकाई वहां चेंज कर लेंगे तो पहली बार अगर ए आए और दूसरी बार क्या आ सकता है ए भी आ सकता है पहली बार ए आए ठीक है कौन सी स्थितियां होगी पांच स्थितियां होगी पहली बार अगर बी आए वो भी पांच स्थितियां होगी पहली बार सी आए इसकी भी पांच स्थितियां होगी पहली बार डी आए इसकी भी पांच स्थितियां होगी पहली बार ई e आए इसकी भी पांच स्थितियां होगी ठीक है पहली बार की हमने बात की अब दूसरी बार में क्या हो सकता है दूसरी बार में पहली स्थिति में ए आ सकता है बी आ सकता है सी आ सकता है डी आ सकता है ई आ सकता है इसी तरीके से पहली बार अगर बी आया है तो दूसरी बार में ए आ सकता है वापस बी भी आ सकता है वापस सी भी आ सकता है वापस डी भी आ सकता है वापस ई आ सकता है ठीक है तो बी यहाँ पे दो बार आ गया है बाकी सब एक एक बार आए ऐसा हो सकता है यहाँ पहली बार में सी आए लेकिन दूसरी बार में क्या आ सकता है दूसरी बार में ए आ सकता है या बी भी आ सकता है या वापस सी भी आ सकता है या डी आ सकता है या फिर ई e आ सकता है ठीक है तो देखो ये पांच ये हो गई है पांच ये हो गई है पांच ये हो गई कितनी हो गई है पंद्रह हो गई है इसी तरीके से पहली बार में अगर डी आए और पहली बार में ई e आए इसकी भी क्या होगी पांच पांच स्थितियां होगी ठीक है सबको हमने पांच पांच बार लिख दिया अब इसमें पहली बार ए आ जाए दूसरी बार में ए आ जाए ठीक है फिर दूसरी बार में इसमें बी आ जाए दूसरी बार में इसमें सी आ सकता है वापस डी भी आ सकता है वापस अः ई आ जाए तो ये पांच स्थितियां डी की भी हो गई है और पांच स्थितियां ई की भी हो सकती है कि पहली बार में ठीक है पहली पर्ची में आपका ई आ गया है और दूसरी बार हमने पर्ची निकाली है उसमें हो सकता है ए आ जाए या बी आ जाए या सी आ जाए या आ डी आ जाए या वापिस ई आ जाए तो यहां पे देखिए पहली बार अगर ई आ गया है तो दूसरी बार भी ई वापस आ सकता है यहाँ पे पहली बार डी आ गया था लेकिन डी दूसरी बार वापस आ सकता है इसका मतलब क्या हो गया जिस इकाई को सैंपल के तौर पर हमने पहले ले लिया है लेकिन वो दोबारा भी आ सकती है तो ऐसे को हम क्या कहेंगे इस प्रकार की सैम्पलिंग को हम क्या कहेंगे प्रतिस्थापन के साथ प्रतिदर्श इकाइयों का चयन ठीक है एस आर एस डब्ल्यू आर ठीक है तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं कुल हमारे पास में कितने प्रतिदर्श होंगे उसको हम निकाल सकते हैं कैपिटल एन की पावर आपका क्या हो जाएगा स्मॉल एन ठीक है कैपिटल आपका क्या हो गया कुल जनसंख्या आपका जो समग्र है और एन का मतलब क्या हो गया हमारी सैंपल की साइज कितनी है ठीक है अगर आपकी कुल पॉपुलेशन हंड्रेड है एन कितना है आपका अगर हंड्रेड है उसमें से आपने सैंपल कितना लिया है माना कि दस लिया है तो स्मॉल एन आपका क्या हो जाएगा दस और कुल प्रतिदर्श कितने हो जाएंगे सो की पावर टेन

हंड्रेड इंटू हंड्रेड टेन थाउजेंड आ जाएगा आपका अगर हंड्रेड में से आप दस सैंपल लेते हो तो हंड्रेड की पावर टेन हो जाएगा हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू इतनी स्थितियां बहुत सारी स्थितियां बन सकती कहने का मतलब ठीक है तो ये आपका क्या हो गया प्रतिदश इकाइयों का चयन विथ रिप्लेसमेंट एस आर एस डब्ल्यू आर ठीक है अब देखिए इसमें प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में चुने जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होगी वन अपॉन एन होगी प्रत्येक इकाई के चुने जाने की प्रायिकता जैसे देखिए अभी हमने जो लिया था ठीक है उसी से मैं आपको समझा देता हूं कि ये हमारा एक बॉक्स है जिसमें ए है बी है सी है डी है और e है अब देखिए इसमें किसी एक इकाई के चुनने जाने की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है वन अपॉन एन देखिए माना कि हम बात कर रहे हैं कि इसमें बी के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी तो देखिए यहाँ पे बी कितनी जगह लिखा हुआ है एक जगह लिखा हुआ है और तो टोटल हमारे पास में यहां कितनी है फाइव क्योंकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है फेवरेबल अपॉन टोटल ठीक है मतलब हमारा जो अनुकूल इकाइया है घटना है वो कितनी है अपौन कुल घटनाएं कितनी है तो हम बी की बात कर रहे हैं बी यहाँ पे कितने जगह लिखा हुआ था एक जगह और कुल हमारे पास में क्या है ए बी सी डी ई पांच जगह है तो वन अपॉइंट फाइव इसी तरीके से अगर आप ए की प्रायिकता देखोगे तो ए हमारा कितने जगह लिखा हुआ है एक जगह लिखा हुआ है और बाकी नंबर टोटल नंबर कितने है? A, B, C, D, e, हैं ए बी सी डी ई पांच है तो ए की प्रायिकता भी कितनी होगी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वन अपॉइंट फाइव होगी सी की अगर हम बात करें तो सी हमारा यहाँ पे कितने जगह लिखा हुआ है सी यहाँ केवल आपका एक जगह लिखा हुआ है ठीक है एक जगह हमारे पास में कितने हैं ए बी सी डी ई e, पांच इसकी भी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कितनी है वन पॉइंट फाइव इसी तरीके से डी की भी कितनी है वन पॉइंट फाइव ई की भी कितनी है वन अपॉइंट फाइव इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम सैंपल ले रहे हैं तो प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में चुने जाने की जो संभावना है प्रायिकता है वो क्या है बराबर अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें कितनी थी? कितनी थी थी सबकी और सभी सब इकाइया एक से अधिक बार भी चयनित की जा सकती हैं और सैंपल की अगर हम बात करें तो इसमें सैंपल जो हमने लिया है ठीक है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी एन अपॉन एन ठीक है माना कि पूरे समूह में सो इकाया है ठीक है एन आपका कितना है हंड्रेड है और इसमें से हमने सैंपल लिया माना कि कितना लिया फाइव लिया अब इस सैंपल की प्रायिकता क्या होगी फाइव अपॉन हंड्रेड ठीक है हमने पांच सैंपल लिया कितने में से हंड्रेड में से तो फाइव अपॉन हंड्रेड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा पॉइंट फाइव ठीक है ये आपकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी होगी इसी तरीके से अगर हम हंड्रेड में से टेन सैंपल लेते हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी टेन अपॉन हंड्रेड हंड्रेड हो जाएगी ठीक है टेन अपॉन हंड्रेड का मतलब ये आपकी हो जाएगी पॉइंट वन अच्छा पहले वाला हम देखिए पांच हमने लिया था ना पॉइंट जीरो फाइव आएगा यहाँ पे ठीक है पहले वाला जो हमने लिया था कि हंड्रेड आपका समग्र है पांच हमने सैंपल लिया है तो फाइव अपॉन हंड्रेड का मतलब ये आपका होगा पॉइंट जीरो फाइव होगा ठीक है अगर आप दस सैंपल लेते हो तो आपका हो जाएगा टेन अपॉन हंड्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये पॉइंट वन हो जाएगा ठीक है इस तरीके से हम इसकी प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं और प्रतिदर्श फ्रेम से एक इकाई का चयन फिर उसे शामिल करते हुए अगली इकाई का चयन ठीक है ये बताया था मैंने कि ये हमारे पास में बॉक्स था ए बी सी डी ई पहले हमने बी को निकाल दिया था लेकिन बी वाली पर्ची को हमने वापस डाल दिया उस बॉक्स में फिर हमने अगली इकाई का चयन किया इसलिए इसको हम क्या कहते हैं प्रतिस्थापन के साथ ठीक है पहली इकाई का चयन किया था माना कि हमने लॉटरी सिस्टम का प्रयोग किया था और उस जो लोटरी में माना कि बी आया है बी की पर्ची को हमने वापस उस बॉक्स में डाल दिया है ठीक है प्रतिदर्श जिनसे हम इकाइयों का चयन कर रहे हैं कुल प्रतिदर्श संख्या हम ऐसे निकाल सकते हैं आपको बता दिया है ठीक है लेकिन अब देखिए ये जो अवधारणा है वो हमारी सिद्धांतिक अवधारणा कहते हैं ठीक है वास्तव में इसका प्रयोग एक तरह से बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है और दो प्रतिदर्श मूल्य एक तरह से क्या होंगे स्वतंत्र होंगे ठीक है स्वतंत्र कैसे होते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं जैसे आपका ए है बी है सी है डी है ई e है पहले हमने बी को निकाल दिया है बी की प्राक्ता आपकी क्या थी वन पॉइंट फाइव फिर इस बी को हमने वापस डाल दिया इस बॉक्स में फिर अगली इकाई का हमने चयन किया है इसलिए उसकी प्रायिकता भी कितनी है वन पॉइंट फाइव है इसका मतलब पहली जो प्रोबेबिलिटी थी उसने दूसरी को प्रभावित नहीं किया है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं इनडिपेंडेंट कहते हैं अब देखिये माना कि बी को हम बी की पर्ची को हम निकाल देते हैं और उसको हम वापस उस बॉक्स में अगर नहीं डालते हैं तो अब हम अगली जो प्रायिकता होगी वो आपकी कितनी होगी वन ए की प्रायिकता क्या होगी वन बाई फोर होगी क्योंकि यहाँ पे कुल इकाई कितनी है ए डी E, सी है बी को तो हमने हटा दिया है इसका मतलब उसकी प्रायिकता कितनी थी वन अपनी यहाँ पे प्रभावित हो रहा है वो आपका प्रतिस्थापन के साथ नहीं होगा ठीक है वो कौन सा होगा आपका बिना प्रतिस्थापन के साथ प्रतिदर्श चयन ठीक है जिसको हम आगे देखने वाले हैं इसमें क्या होता है दो प्रतिदर्श मूल्य क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं और दोनों प्रतिदर्शों के मूल्यों के मध्य क्या पाया जाता है वहां पे सह विचरण होता है ठीक है दोनों मूल्य क्या होंगे एक दूसरे के साथ में समन्वय होंगे उनके बीच में जो सह विचरण है वो क्या होगा शून्य होगा ठीक है दोनों के बीच में को वेरियंस जो है ठीक है वो क्या होगा जीरो होगा ठीक है दूसरा हमारा है बिना प्रतिस्थापन के ठीक है बिना प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया पहली का एका जो हमने चयन किया है ठीक है उसको अगली बार वापस अगर उसको हम शामिल नहीं करें इसका मतलब क्या हो गया दो प्रतिदर्श होंगे वो आपस में स्वतंत्र नहीं होंगे ठीक है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे डिपेंडेंट होंगे आश्रित होंगे तो जब दो प्रतिदर्श एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ में आश्रित होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बिना प्रतिस्थापन के साथ प्रतिदर्श का चयन एस आर एस डब्ल्यू ओ आर सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट ठीक है तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया देखिए ये देखिए ठीक है विद आउट रिप्लेसमेंट में ये है ए बी सी डी ई सबसे पहला आपने जो सैंपल निकाला है वो कितना आ गया माना कि आपका आ गया है बी ठीक है तो पहले बी आने की प्रायिकता आपकी क्या हो गई फाइव हो गई है अब आपने क्या किया पहला जो सैंपल आया है उसको अगला जो आप सैंपल लोगे उसमें मतलब उस बॉक्स में आपने बी की जो पर्ची है उसको वापस नहीं डालोगे अब आप अगली इकाई का चयन करोगे अब अगली इकाई क्या होगी आपकी ए सी ई में से होगी ठीक है मतलब अगली की प्रायिकता क्या होगी आपकी वन अपंट फोर होगी माना कि वो डी आ गया है डी की प्रायिकता कितनी होगी वन अपोर अब डी को आपने उस बॉक्स में नहीं डाला है अब आपके पास उस बॉक्स में कौन कौन सी पर्ची है ए सीई e है तो यहाँ पे अगले आने की प्रायिकता चाहे ए हो सी हो E हो उसकी क्या होगी वन अपॉन थ्री होगी इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे जो प्रायिकता है वो क्या हो रही है एक दूसरे से प्रभावित हो रही है ठीक है प्रत्येक प्रतिदर्श मूल्य यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है वो दूसरे के ऊपर निर्भर है और प्रत्येक प्रतिदर्श फ्रेम में किसी एक इकाई का चयन होने पर दूसरी इकाई का जो चयन है मतलब उसी इकाई का चयन दोबारा नहीं होता है और यहाँ पे प्रतिदर्श की जो संख्या है, वो क्या होगी पहले की तुलना में कम होगी, उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है एन सी एन ठीक है कैसा होता है इसको मैं आपको पहले वाला उदाहरण लेके ही बता देता हूं देखिए प्रतिस्थापन के साथ में तो आपका क्या था एन की पावर एन मतलब फाइव की पावर आपने क्या की थी टू क्योंकि पांच में से आपने दो सैंपल लिए थे तो वहां पे आपके कुल प्रतिदर्श कितने थे पच्चीस लेकिन अगर आप प्रतिस्थापन के साथ में अगर करते हो प्रतिस्थापन की बिना मतलब वापस अगर उसको नहीं डालते हो तो आपके सैंपल क्या आएंगे थोड़े सैंपल की जो साइज होगी वो पहले की तुलना में कम होगी इसी उदाहरण से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं ठीक है अगर आपने कोई पर्ची निकाली उसको वापस डाल दी है तो आपके पास में कुल प्रतिदर्श कितने बनेंगे पच्चीस मतलब उसमें दोबारा भी आ सकता है ठीक है चेंज हो रहा है वो दोबारा भी हो रहा था लेकिन बिना प्रतिस्थापन में क्या होगा दोबारा चयन नहीं होगा इसलिए प्रतिदर्शों की संख्या क्या होगी कम और उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा एन सी एन ठीक है एन ये आपका कॉम्बिनेशन है उसमें से एन हमने कितने सैंपल लिए हैं और उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है एन फैक्टोरियल ठीक है इसको हम क्या कहते हैं फैक्टोरियल कहते हैं अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल और फिर एन फैक्टोरियल ठीक है फैक्टोरियल इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन अगर आपने लिखा है फाइव फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन अगर हमने लिखा है एट फैक्टोरियल एट फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा एट इंटू नाइन इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ये फैक्टोरियल का मतलब होता है वो आपको याद रखना है ठीक है अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं हम कि सैंपल आपका जो पॉपुलेशन है वो कितना है पांच एन कितना है आपका फाइव और इसमें से आपने सैंपल कितने लिए हैं टू ठीक है तो बिना प्रतिस्थापन में आपका क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा एन सी एन फाइव सी टू और फाइव सी टू का फॉर्मूला क्या होता है आपका फाइव फैक्टोरियल अपॉन फाइव माइनस टू फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल ये आपका फॉर्मूला होता है इसका आपको विस्तार करना होगा अब देखो फाइव में से टू जाएंगे तो कितने बचेंगे थ्री नीचे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाइव फैक्टोरियल ठीक है ऊपर आपका क्या आएगा फाइव फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल और नीचे आपका क्या आ गया थ्री फाइव माइनस टू किया था आपका क्या था थ्री फैक्टोरियल और ये आपका था टू फैक्टोरियल तो देखो ऊपर आपका क्या बन जाएगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन आप अपनी बुक में पूरा लिख लीजिए ठीक है फाइव फोर थ्री टू वन सबको मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे क्या आ जाएगा देखो थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा थ्री इंटू टू इंटू वन हो जाएगा फिर आप इस टू फैक्टोरियल है टू फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा टू इंटू वन ठीक है आप चाहें तो देखो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं ठीक है थ्री फैक्टोरियल लिए हैं तो थ्री से थ्री के बाद वाले कट जाएंगे थ्री टू वन ऊपर वाले कट गए आपके ऊपर जो है कितने बचे फाइव इंटू फोर बचे ये आपका कैंसिल हो गया था फाइव इंटू फोर और नीचे आपका क्या था टू फाइव इंटू फोर करने पर ट्वेंटी आए ट्वेंटी अपॉइंट करोगे कितना आएगा टेन मतलब अब आपके जो सैंपल होंगे वो कितने बनेंगे सैंपल टेन ही बनेंगे ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा का? काटना करने आए कोई बात नहीं वापस देख लीजिए देखो फाइव फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ठीक है अपॉन में क्या था आपका एक तो था, था फैक्टोरियल तो थ्री फैक्टोरियल मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन और एक और क्या था टू फैक्टोरियल टू इंटू वन ठीक है अब देखिए ये टू से टू कैंसिल कर दो इस थ्री से ये थ्री कैंसिल कर दो अब ऊपर आपका क्या है फाइव इंटू फोर इंटू वन है तो फाइव इंटू फोर का कितना आएगा ट्वेंटी आएगा ऊपर तो आपका आ गया ट्वेंटी डिवाइडेड क्या वन वन है तो आपका आएगा, टू, आएगा। तो टू करने पर कितना आएगा टेन आएगा इसका मतलब अब जो सैंपल के ग्रुप बनेंगे वो आपके कितने होंगे दस ही बनेंगे पहले आपके कितने बन रहे थे प्रतिस्थापन के सात वाले में आपके कितने बने थे जब आपने पांच में से दो लिए थे ठीक है पांच में से आपने दो लिए तो उसमें आपके कितने बने थे पच्चीस ठीक है फाइव का स्क्वायर किया था लेकिन अगर आप प्रतिस्थापन वापस नहीं करते हो जो आपने पर्ची निकाली है उसको अगर बॉक्स में वापस नहीं डालते हो तो इसी कंडीशन में आपके जो ग्रुप बनेंगे वो कितने बनेंगे टेन ही बनेंगे ठीक है कैसे बनेंगे वो देखिए मैं आपको बताता हूँ वापिस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये ए है ए बी सी डी ठीक है पांच में से दो लेने हैं लेकिन डबल नहीं आना चाहिए तो सबसे पहले वाला मना के आपका कौन सा आ गया है ए ए ए ए ठीक है इसमें चार स्थिति बनेंगे देखो एक तो हो जाएगा ए आ जाए और दूसरी बार में क्या आ जाए बी आ जाए या दूसरी बार में क्या आ जाए सी आ जाए पहली बार में ए आए और दूसरी बार में क्या आ जाए डी आए ऐसा भी हो सकता है पहली बार में ए आ जाए और दूसरी बार में आ जाए ऐसा भी हो सकता है पहली बार ए आए और दूसरी बार तो ए नहीं आ सकता है क्योंकि उस पर्ची को हमने उस बॉक्स में वापस नहीं डाला है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बिना प्रतिस्थापन के पढ़ रहे हैं इसलिए ठीक है तो चार स्थिति फिर एक और क्या बन सकता है पहली बार में क्या आ जाए बी आ जाए ठीक है अब बी आ जाए तो बी वाली पर्ची को हम वापिस नहीं डालेंगे ठीक है अब क्या हो सकता है आपका क्या आ सकता है सी आ सकता है या बी आ जाए और कौन सा आ सकता है डी आ सकता है बी आ जाए या फिर क्या आ जाए ई आ जाए ठीक है अब हमारी बॉक्स में से दो पर्चे बाहर हो चुकी है एक तो ए वाली बाहर हो चुकी है बी वाली भी बाहर हो चुकी है अब पर्ची आपकी कौन कौन सी होगी बॉक्स में अब आपकी होगी सी डी और ई e. अब आपने निकाल दी माना कि सी तो सी के साथ पहली बार में सी आ गया दूसरी बार में क्या आ सकता है डी आ सकता है या दूसरी बार में क्या आ सकता है ई आ सकता है ठीक है अब ये पर्ची भी बाहर हो चुकी है अब आपके पास पास में कौन सी बची है अंदर डी बची है ठीक है डी को आपने निकाला है अब कौन सी स्थितियां होगी आपकी डी और ई हो सकती है मतलब कुल आपके पास में जो सैंपल बनेंगे अब वो कितने बनेंगे दस बनेंगे ठीक है ये आपका एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नो और एक और आपका कौन सा बन जाएगा डी और ई वाला ठीक है लास्ट में वही बनेगा बस तो ये आपके दस ही बनेंगे यहाँ पे ठीक है इसको एक बार आप करके देख लीजिएगा मैंने जैसे बताया तो ये आपका हो गया बिना प्रतिस्थापन के साथ ठीक है कुल प्रतिदर्श का आकार निकल गया अब देखिए एक उदाहरण दे रहा रहे माना कि दस छात्र हैं उसमें से दो छात्रों का चयन करना है तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा टेन सी टू और इसका फॉर्मूला क्या होता है ऊपर आपका आ जाएगा टेन फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा टेन माइनस टू कितना होता है एट फैक्टोरियल और फिर वापस टू फैक्टोरियल ठीक है ये जो हमारा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है ठीक है हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल और फिर एन फैक्टोरियल हमारा यहाँ पे वापस आता है ये हमारा फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे कैपिटल एन आपका कितना है टेन तो यहाँ पे लिख दिया हमने 10 फैक्टोरियल एन माइनस एन मतलब 10 माइनस टू क्या कितना आ गया एट आ गया और फिर ये एन के स्मॉल एन कितना है आपका टू तो टू फैक्टोरियल अब इसका अगर आप विस्तार करोगे तो 10 फैक्टोरियल का मतलब देखो 10 का मतलब क्या हो गया 10 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 इंटू नाइन इंटू एट इंटू आ जाएगा और नीचे क्या है देखो एट फैक्टोरियल एट का मतलब क्या हो जाएगा एट सॉरी एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इसका मतलब क्या हो गया देखो यहाँ पे जो एट के बाद में आ रहे थे ये वाले इन सबको हमने कैंसिल कर दिया किससे कैंसिल कर दिया इस नीचे वाले एट के साथ में क्योंकि इसके साथ में भी क्या था एट इंटू सेवन इंटू सिक्स आता कैंसिल कर दिया हमने वो सारे अब नीचे आपका क्या बचा टू फैक्टोरियल तो यहाँ पे आपका क्या आएगा टू इंटू वन और पूरा करना चाहता है आप को में पूरा करके देख लेना ठीक है तो भी आपका आ जाएगा अब देखो दस इंटू नौ करोड़ कितना आ जाएगा नाइनटी और 90 अपॉन कितना आ जाएगा 45 तो यहाँ पे कुल सैंपल की जो साइज होगी वो कितनी होगी आपकी 45 होगी तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एस आर एस डब्ल्यू आर क्या होता है और एस आर एस डब्ल्यू ओ आर क्या होता है इस वीडियो को आप दो तीन बार देखोगे तो ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो भी आपको समझ में आ जाएगी फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है आपका सैंपलिंग एस्टिमेटर प्रतिदर्श आकलक ठीक है प्रतिदर्श आकलक क्या होता है कि किसी प्रतिदर्शज प्रतिदर्शज को हम क्या कहते हैं स्टेटिस्टिक देखिए जो हम सैंपल के बेस पर अगर कोई वैल्यू निकालते हैं ठीक है सैंपल के बेस पर माना के आपने मीन निकाला है समांतर माध्य स्टैंडर्ड डिविशन निकाला है प्रमाप वित इनको हम क्या कहते हैं स्टेटिस्टिक कहते हैं प्रतिदर्श कहते हैं ठीक है सैंपल के आधार पर हम किसी मूल्य का अनुमान लगाते हैं वो आपका क्या होता है प्रतिदर्शज होता है और पूरे समूह के जो मूल्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं पैरामीटर कहते हैं या प्राचल कहते हैं तो प्रतिदर्शज के आधार पर अगर हम पूरे समूह का कोई प्राचल निकालते हैं ठीक है चाहे मीन निकाला चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला इसी को क्या कहा जाता है प्रतिदर्श आकलक कहा जाता है सैंपलिंग एस्टिमेटर मतलब सैंपलिंग के बेसिस पर पूरे समूह का जो पैरामीटर है चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन है चाहे वो मीन है वो कैलकुलेट अगर किया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं प्रतिदर्श आकलक कहते हैं ठीक है ये दो प्रकार का हो सकता है कौन कौन सा हो सकता है फर्स्ट हमारा है पॉइंट एस्टिमेटर बिंदु आकलक ठीक है जब हम प्रतिदर्श से समस्ती प्राचर का आकलन करने के लिए कोई एक, एकल मान निकालते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे बिंदु आकलक कहेंगे पॉइंट एस्टिमेटर कहेंगे माना कि हमने सैंपल मीन था उसका यूज करके पूरे समूह के बारे में हमने कहा कि पूरे समूह का जो समांतर माध्य है वो कितना है माना कि 150 फिफ्टी है ठीक है पूरे समूह का मीन जो हमारा इसको हम क्या कहेंगे हमारा पैरामीटर हो गया ठीक है इसको निकालने के लिए हमने क्या यूज किया है जो हमारे पास में प्रतिदर्श थे सैंपल थे ठीक है उसका यूज उस क्या है उस सैंपल के आधार पर हमने क्या कहा कि पूरे समूह का जो एवरेज है वो कितना है 150 है तो ये देखिए कोई कोई एक फिक्स है. 150 क्या है? कोई एक फिक्स फिक्स वैल्यू वैल्यू है है क्या आपकी इसकी इसको हम क्या कहते हैं बिंदु आकलन कहेंगे जैसे एग्जाम्पल देखिए एक कॉलेज में प्रतिदर्श सैंपल के आधार पर कहा जाता है कि छात्रों की जो औसत ऊंचाई है एवरेज हाइट है वो कितनी है वन सेंटीमीटर है ठीक है पूरे कॉलेज में जो स्टूडेंट्स है उनकी एवरेज हाइट म्यू आपका कितना है 150 सेंटीमीटर लेकिन ये हमने किस बेसिस पे कहा है कि उस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है उनमें से हमने कुछ सैंपल ले लिया था और उस सैंपल का अध्ययन किया था उसके बेसिस पे हमने कहा कि पूरे समूह का जो माध्य है औसत ऊंचाई है कॉलेज के छात्रों की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है वन फिफ्टी सेंटीमीटर की यह फिक्स वैल्यू है देखो ठीक है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बिंदु आकलन कहते हैं अंतराल आकलन में क्या होगा कि ये जो हम पूरे समूह के बारे में जो अनुमान लगा रहे हुए कि रेंज रेंज के के बारे में में बीच का, अगर हम ऐसा कहते हैं कि उस पूरे कॉलेज में छात्रों की जो हाइट है वो कितनी है 140 से लेके वन फिफ्टी सेंटीमीटर के बीच में है ठीक है इस तरीके से अगर कोई हम अंतराल बताते तो उसको हम क्या कहते हैं अंतराल आकलन कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज है उसमें पचास प्रोफेसर हैं शिक्षक हैं उनमें से तीस जो टीचर्स हैं प्रोफेसर हैं उनकी एवरेज इनकम कितनी है फिफ्टी थाउजेंड से एट्टी थाउजेंड के बीच में ठीक है तो यहाँ पे कोई एक, एक एकल मान हमने नहीं लिया है ठीक है हमने यहाँ पे एक रेंज बताई है कि जो उनकी सैलरी है इनकम है वो पचास हजार से लेकर अस्सी हजार के बीच में है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं अंतराल आकलन कहते हैं ठीक है और फिर प्रतिदर्श के आधार पर हम क्या कर सकते हैं अंतराल अनुमान ज्ञात करने के लिए निदर्शन त्रुटि को प्रतिदर्शन में जोड़कर प्राचल जो होता है उसकी दो सीमाएं ज्ञात कर लेते हैं ठीक है वो सीमाएं कैसे ज्ञात की जाती है उसके लिए हम जी टेस्ट का प्रयोग करते हैं तो वो तो हमारे पास में हमारे कोर्स में डिटेल नहीं है लेकिन फिर भी आप चाहे तो उसकी कुछ सीमाएं उसको याद रख सकते हो ठीक है सार्थकता स्तर की अगर हम बात करें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो ये बताता है कि कोई भी हमने जो प्रतिदर्श के आधार पर समूह का अनुमान लगाया है उसमें कितनी एरर हो सकती है कितनी त्रुटि हो सकती है अगर टेन परसेंट की बात करें तो उसमें टेन परसेंट त्रुटि होने की संभावना है फाइव परसेंट की बात करें तो फाइव परसेंट लेते हैं या वन परसेंट ठीक है मुख्य रूप से जैसे फाइव परसेंट और वन परसेंट का यूज किया जाता है ठीक है जो क्या बताता है कि हमने जो प्रतिदर्श के आधार पर पूरे समूह का अनुमान लगाया है उसमें कितनी एरर है कितनी त्रुटि है फाइव चांस है कि वो गलत हो सकता है हमारा अनुमान वन परसेंट लेंगे तो हम कहेंगे कि वन परसेंट हमारा अनुमान क्या हो सकते हैं गलत हो सकते हैं अब फाइव परसेंट हमारा अनुमान गलत हो सकते मतलब हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नाइन्टी फाइव परसेंट हमारे जो अनुमान है वो क्या है सही है नाइनटी फाइव परसेंट विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा अनुमान क्या है सही है अगर हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लिया है फाइव परसेंट अगर हमने वन परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया तो हम कह सकते हैं कि हंड्रेड माइनस वन मतलब नाइनटी नाइन 99 विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो प्रतिदर्श के अनुमान हमने जो लगाए वो क्या है सही हैं ठीक है थीके? और इनकी जो जेड क्रिटिकल वैल्यू होती हैं वो आपकी 10 परसेंट पे कितनी होती हैं 1.645 टेबल वैल्यू होती हैं 5 परसेंट पे कितनी होती है और 1 परसेंट पे कितनी होती हैं है. है? 2.58 होती है और इनसे हम दो सीमाएं कर सकते हैं ठीक है प्लस माइनस करके हम निकाल सकते हैं तो ज्यादा डिटेल में आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है अब देखिए एक एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हमारा जो सैंपल का मीन होता है प्रतिदर्श का माध्य उसके आधार पर हम क्या करते हैं समष्टि का माध्यम हम निकालते हैं मतलब एक्स बार का यूज करके हमने समष्टि पूरे समूह के लिए म्यू कैलकुलेट किया है तो हम कह सकते हैं कि ये एक्स बार जो है वो म्यू का क्या है एस्टिमेटर है इसी तरीके से हमने सैंपल का जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है एस स्क्वायर जिसको कहा है उसके आधार पर हमने समस्ती का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है सिग्मा स्क्वायर ठीक है इसका आकलन हो गया आपका ठीक है तो इसके आकलक होते एक दो चीज आपको याद रखनी है एक श्रेष्ठ आकलक क्या होता है उसके गुण आपको कुछ ध्यान रखना है एक श्रेष्ठ आकलक किसे कहेंगे हम जो होता है अनभिन्नता होती है मतलब जिसका जो प्रत्याशित मूल्य होता है और जो हमने आकलित मूल्य आपका है ठीक है दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं अनभिन्नता भिन्नता कहेंगे अनबाइज कहेंगे ठीक है अनबाय में क्या होता है प्रत्याशित मूल्य जो होता है वो आकलित मूल्य के बराबर होता है दूसरा हमारा है संगति ठीक है संगति का मतलब क्या हो गया जो हमारा प्रतिदर्श आकलन है ठीक है माना कि उसको हमने क्या लिख दिया थीटा क्रो से लिख दिया है तो थीटा क्रो और जो हमारा प्राचलन है ठीक है प्राचलन माना कि पूरे समूह का वो मान क्या है थीटा. तो दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता है ठीक है तो हमारा क्या होगा संगतियों का मतलब जैसे जैसे हमारा प्रतिदर्श का मा आकार जो है वो अनंत की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके बीच में अंतर क्या होगा कम होता जाएगा मतलब प्रतिदर्श आकलक जो हमारा थीटा क्रो है और प्राचलक जो हमारा है थीटा दोनों में अंतर एक तरह से नहीं के बराबर होता है और इसी स्थिति में इनकी प्रायिकता भी क्या होगी एक के बराबर होगी तो इनको हम कहते हैं संगति गुण होना चाहिए फिर होना चाहिए दक्षता का गुण होना चाहिए ठीक है मतलब एक तरह से गुणवत्ता का माप वह आकलक अधिक दक्ष होगा जिसमें प्रतिदर्शी बंटन का प्रसरण दूसरे से कम हो ठीक है हम प्रसरण की तुलना करते हैं जिस श्रेणी में जिस आकलक का प्रतिदर्श कम होगा उसको हम क्या करेंगे अच्छा मानेंगे और फिर पर्याप्त या सफिशियंसी की अगर हम बात करें संपूर्णता की बात करें संभाव्य जो हमारे पास में समस्त सूचना है उसका प्रयोग करके हम संपूर्णता की जांच कर सकते हैं ठीक है जैसे जो हमारा समांतर माध्य है उसको हम क्या कहते हैं जो हमारा प्रतिदर्श का जो समांतर माध्य है वो पूरे समूह का जो समांतर माध्य है म्यू उसका पर्याप्त आकलक कहा जाता है है ठीक समस्त हमारे पास में जो भी संभावित सूचना है उसका प्रयोग करके हम कोई मूल्यों का अनुमान लगाते हैं तो ये हमारे क्या होती है पर्याप्तता होती है संपूर्णता होती है तो ये बस गुण आपको ध्यान रखने हैं कि एक श्रेष्ठ आकलक जो है वो क्या होगा उसमें दक्षता का गुण होना चाहिए पर्याप्तता का गुण होना चाहिए सफिशियंसी का होना चाहिए इफिशियंसी का गुण होना चाहिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उनमें और अनबायस्ड होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लें कि एक श्रेष्ठ आकलक का गुण नहीं होता है तो वहां पे आ जाए अनबायस्ड आ जाए कंसिस्टेंसी आ जाए इफिशियंसी आ जाए और सफिशियंसी आ जाए ठीक है दिया तीन ऑप्शन इनमें से आ जाएंगे और एक आपको लिख देंगे कोई अलग लिख देंगे ठीक है जैसे लिख दिया बायज्ड तो कौन सा गुण नहीं होता है पक्षपात वाला नहीं होता है बायस उसमें नहीं होता है ठीक है इस तरीके से तो आज की क्लास में इतना ही थैंक यू